हाँ जी शर्मा जी कैन यू हियर मी हेलो कैन यू हियर मी शर्मा जी Can you hear me? I cannot hear you. <coughs> Can you hear me now? Yes. Can you Actually. hear me? हाँ uh, बिल्कुल जी बिल्कुल क्लेरिटी से है एक बार लाइट देख लें आपका मैं लाइट देख लो तुम मैं आज थोड़ी लाइट ज्यादा की थी हाँ बहुत अच्छा जी मैं माफी चाहता हूँ एक्चुअली आज का दिन मेरा बहुत खराब शुरू हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा कोई बात नहीं शर्मा जी कोई start, बात आई विल शेयर विद यू हाँ जी कोई बात नहीं हाँ जी चलिए यू कैन हियर मी क्लियरली राइट राइट सर वी कैन वी कैन वी कैन गो अहेड सर मैं वीडियो मैं तो वीडियो भी दिखा देना लाइट ले आ लो सर वी आर लाइव विद द पब्लिक सर ओके हाँ वी गो यस सर ग्रीन मॉर्निंग ग्रीन आफ्टरनून ग्रीन इवनिंग सभी का पूरे विश्व में आज की सुबह बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल डिफिकल्टीज आती हैं प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारे है. और इस पर्टिकुलर पीरियड में हेल्थ और वेलनेस के साथ साथ आपको टेक्निकल डिफिकल्टीज इन सब चीजों का भी सामना करना पड़ेगा और खासकर जो टेक्निकल टीम के लोग हैं आपको उन्हें टॉलरेट भी करना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए क्योंकि उनके अपने काम करने का ढंग है उनके अपने नॉर्म्स हैं उनके अपने तरीके हैं और समस्त संसार में सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अल्टीमेटली एक अच्छे इंसान के रूप में जब हम सब लोग एक दूसरे के सम्मुख होते हैं और ख़ासकर जब हमने बहुत ही एक मन से आत्मा से अपने विवेक से एक कार्यक्रम शुरू किया है मेकिंग एजुकेशन रेलिवेंट और उसमें हर रविवार को सुबह हम श्रीमद् भागवत गीता जी की जब बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता कि आज के एजुकेशन में उसका रेलिवेंस क्या है हाउ टू लिव ए मीनिंगफुल लाइफ और ये सब चीजों को जब हम लेके चलते हैं तो प्रोफेसर सतेंद्र धीमान साहब वुडबरी यूनिवर्सिटी से बर्बैंक से कैलिफोर्निया यूएसए से हमारे साथ अपनी अंतर आत्मा से हर इतवार को सुबह साढ़े नौ से ग्यारह सवा ग्यारह जितना भी समय जो भी उचित होता है जो भी मिल पाता है उन्हें उस तक बातचीत करते हैं और अपनी आत्मा से आप सब लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं कोशिश करते हैं और उसी प्रयास में उनके इस भव सागर में कहीं ना कहीं हम किनारे पे बैठे हैं और कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ सीख लें हम भी कुछ ज्ञान ले लें आज की सुबह थोड़ी मुश्किल थी आज की सुबह थोड़ी डिफिकल्ट थी कुछ एक टेक्निकल डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स थी कान सुनना कुछ और चाहते थे कानों के अंदर आ कुछ और रहा था मन कुछ और चाह रहा था आत्मा कुछ और चाह रही थी लेकिन कानों में ध्वनि कुछ और पड़ रही थी और उस सब से आधा घंटा इतना विचलित होकर इतने सब मुश्किल दौर से मैं इस अच्छे भाव से श्रीमद भागवत गीता के आज के एजुकेशन के इस प्रासंग में इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं हृदय से स्वागत करता हूं आत्मा से स्वागत करता हूं मन से स्वागत करता हूं प्रोफेसर सत्येंद्र धीमान जी से आ, उनका और साथ ही मैं उनसे क्षमा भी चाहता हूं कि आज के प्रोग्राम में मैं पंद्रह मिनट लेट हूं मुझे अपनी आत्मा को पहले उस लेवल तक लेके आना था कि जहां पर मैं आपके विचारों को और सब चीज़ों को सुन पाऊं और टेक्निकली मैं आपके साथ शुद्ध रूप से ठीक रूप से कनेक्ट हो पाऊं तो इन्हीं विचारों के साथ क्षमा चाहते हुए क्षमा मांगते हुए आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं अंडर डायनेमिक एंड डेडिकेटेड लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर सत्येंद्र साहब और उनके साथ श्रीमद भागवत गीता में हम आगे चलते हैं कि श्री कृष्ण जी और अर्जुन का जो भी आपस में वार्तालाप हो रहा है और जो भी महाभारत में घट रहा है और उसका रेलिवेंस आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या है वो बहुत जरूरी है उसी को लेके हम लोग आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका स्वागत है प्रोफेसर सत्येंद्र धीमान साहब एक्सटेंडिंग योर वेरी हार्टी वेलकम वार्म वेलकम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट लेट स्टार्ट टूडेज योर सर्मन योर व्यूज एंड योर विचार एंड एवरीथिंग वॉट यू वुड लाइक टू शेयर विद दिस यूनिवर्स मेकिंग एजुकेशन रेलिवेंट बाई मीन्स ऑफ श्रीमद भगवद गीता नमस्कार वी विल स्टार्ट विद दि ट्रेडिशनल वेदिकेयर सदा शिव समारंभाम, शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम श्रुति स्मृतिपुराणा नमामि करुणाल पादम्, भगवत्द लोक लोकशंकर शंकर शंकराचार्यम केशवम वादरायनम सूत्र भाषो वंदे पुनः पुनः वासुदेव कंस सुत कंसचानूर्मर्दनम देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगदुर वंदे श्रीमद् भगवत गीता a very unique philosophical book unlike any other as we were going through it last time there is no other book that i am aware of in which the role of rational argument is given that much uh, uh, that much uh, importance as we have in the in the uh, in this particular case, there are many scriptures in the world. I am not aware of any scripture in which there is this type of question-answer. Arjuna is not taking anything for granted, even if it is coming from Lord's Mukharwind. चाहे ये शब्द भगवान के मुखारविंद से निकल रहे हैं मगर अर्जुन आर्गुमेंट कर रहा है तो इस तर्क और जो तर्क हो रहा है इसका सम्मान भगवान कर रहे हैं तो दिस इज द वेरी यूनिक थिंग विच समाइम वी ओवर लुक एंड एज आई सेट लास्ट टाइम एट दी एंड ऑफ भगवद गीता लॉर्ड कृष्णा इज गोइंग टू टेल अर्जुना के आई टोल्ड यू द होल थिंग

कि लीडर का एक काम है कि जो अनविलिंग वर्कफोर्स है उसको रैशनल आर्गुमेंट से विलिंगनेस की ओर ले जाए तो अर्जुन हु वाज़ नॉट विलिंग टू फाइट नाउ ही से वचनव तवा यहां पर गीता का सब का संवाद पूर्ण हो जाता है सो द आर्ट ऑफ लीडरशिप परसुएशन नेगोसिएशन वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट लाइज इन द फैक्ट दैट थ्रू रैशनल आर्गूमेंट ये नहीं उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूं मेरी बात मान लो एक और बात नोट करने वाली है गीता में श्री कृष्णवाच नहीं है भगवान श्री कृष्ण पांच श्लोक बोलते हैं 574 फाइव हंड्रेड सेवन 700 मगर कहीं भी श्री कृष्णवाच नहीं है तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है जो लोग जानकार हैं वो बताते हैं कि दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्चर लॉर्ड कृष्णा इज स्पीकिंग

so sometimes people ask karmaji what is the benefit of uh, bhagavad gita in my life uh, in education in life everything every department of life i was i was asked this question i was traveling uh, and, and the person sitting next to me asked what are you reading i said i'm reading bhagavad gita he said what do you do i said i teach what do you teach i teach uh, mba students mostly in, in america for the last 30 years and i teach leadership development courses and he said i am he said to me that he's an executive i said then that's very good you know that's that's the kind of audience i have i teach those students who are either already managers or or they are going to be uh, mid-level to higher level managers that's my job that's my uh, you know livelihood and he turned around and asked me he said he said i'm an executive i'm 29 i'm very successful how is bhagavad gita relevant to me शर्मा जी, दैट वाज़ द क्वेश्चन माय काउंटर क्वेश्चन टू हिम वाज माय फ्रेंड इज योर लाइफ रेलेवेंट टू यू क्या मतलब सो माय माय क्वेश्चन दो देखिए शर्मा जी पॉइंट दिस दिस। अगर कोई आदमी लॉजिक पर आ रहा है ना तो उसको अकाट्य लॉजिक अकाटे, अकाटे uh, uh, देकर लॉजिक तर्क देकर खत्म करना पड़ेगा तो हिस पॉइंट वॉज

कौन मरता है सभी जीते हैं वक्त हर गम को हर जख्म को मिटा देता है सो ये तो कहने की बातें है ना शायरी के लेवल पर मगर अल्टीमेटली आवर ओन से मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस दैट इज वाई सेल्फ नॉलेज इज इम्पोर्टेंट एंड भगवत गीता इज इज ब्रह्म विद्या चैप्टर शर्मा जी देर इज ए कॉल फॉन देर इज एंग एट दी एंड इन विच देट दैप्टर

The, the rishis who are behind this wisdom, they were man, mantra drashtas. They just saw the mantras in their deep meditative absorption when they were in deep, whatever you want to call it, nirvikalpa samadhi. Then they were able to see certain reality objectively. And then after that, they started teaching guru shirsh parampara ke -hisaafse. And then after that, सम पीपल थॉट वी शुड कमिटेड टू राइटिंग मगर उसकी बाई लाइन कोई नहीं है यह नहीं किसी ने कहा रिटर्न ऑफ राइटर ऑफ़ एवरीथिंग, सो ऑल द पुराणस, महाभारत एंड वेदास एंड नेम इज वेद व्यासा व्यासा मैने अरेजर ही इज द कंपाइलर नॉट द राइटर राइटर कोई नहीं है

मगर इफ समबडी इज हैपी तो वो दूसरों के साथ वो बांटना चाहता है तो ऋषि जो थे अलादित हो गए थे इसी तरह भगवान अलादित हो गए श्री कृष्ण अलादित हो गए हैं और वो भरे बड़े हैं लबा, लब लब जैसे मैंने कहा कि कई अध्याय है सातवां है नौवां है तेरहवा है सॉरी नोट या तेरवा तो पंद्रवा भी है तो इसमें सोलवा भी है उसमें श्री अर्जुनो वाच नहीं मतलब भगवान अर्जुन को मैंने पिछली बार भी इस बात को क्लियर किया था सेवन नाइन थर्टीन फिफ्टीन एंड आर द चैप्टर्स इन विच अर्जुन इज नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन सो द क्वेश्चन द्वेश्चन लॉर्ड कृष्णा एंसर दिस इज द देशन ऑफ अ टीचर इट इज नॉट ऑलवेज दैट स्टूडेंट विल डू द क्वेश्चन बट द टीचर शुड अंडरस्टैंड मनो मनोदशा जो उसकी जो धरातल है उसके मन का उसको वो जान जाए भाप जाए तो ये एजुकेशन में रेलवेंस है भगवत गीता का कि देर विल बी ए क्वेश्चन बट ए टीचर शुड है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टीचिंग प्रोफेशन बेस्ड ऑन माय फोर डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड लर्निंग आर चूजन वेरी केयरफुल लाइक ए साइंटिस्ट विच चूज वर्ड्स ये कोई ऐसा ही नहीं है कि शब्दों को इधर उठा के आपको सुना दिया तो दर्ड्स विच आर बी चूजन केयरफुली दिस इज द्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर शर्मा जी अगर विश्व के अगर विश्व में सारे विश्व में अगर आप मुझसे पूछें अगर कोई चीज जानने योग्य है और मनन करने योग्य है वैसे तो हर चीज जानने योग्य है साइंस भी जानने योग्य है, है सब कुछ जानो यू uh, नो you know, आप प्लमिंग की बात कर रहे थे उस वक्त हाँ हम हाँ, प्लमिंग भी सब कुछ वो भी काम करना जरूरी है मगर मैं ये अब बात कर रहा हूं अल्टीमेट कि अगर कोई चीज दुनिया में जानने और मनन करने योग्य है वो है भारतवर्ष का अध्यात्म अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी क्योंकि इसकी पराकाष्ठा या ये ये इसकी ये इतनी ऊंचाई से बोली गई है गीता को समझने के लिए गीता को आपको अर्जुन का स्टैंड पॉइंट नहीं लेना पड़ेगा फिर नहीं समझाएगी आपको क्योंकि अर्जुन अपने मान, मान तो आप को तो। देहधारी एक बार कहा दूसरे देहा में कहेंगे कि कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था तो अर्जुन थोड़ा सा घबरा गए कि यार ये क्या हो रहा है फिर भगवान ने उसको खुश करने के लिए कहा कि कोई ऐसा समय नहीं था जब तू नहीं था अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या वो अर्जुन रूप में था हमेशा नहीं यहां अर्जुन की और भगवान कृष्ण की शरीर देहधारी के रूप में बात नहीं हो रही और फिर उसको और कह दिया बल्कि उसको बिल्कुल ही कुछ कर दिया और जो कि असलियत है कोई ऐसा वक्त नहीं था ये सारे लोग नहीं थे तो अब अगर आप अर्जुन का स्टैंड पॉइंट लेंगे तो ये बात तालमेल नहीं बैठेगा मगर अगर आप आत्मा का स्टैंड पॉइंट ले लेंगे जहां से भगवान बोल रहे हैं तो भगवत गीता को समझने के लिए जो हमने गुरुओं से सीखा वो ये पहली बात उन्होंने ये बताई कि आपको भगवान कृष्ण का स्टैंड पॉइंट लेना पड़ेगा क्या बात है आपकी प्रमोशन हो गई शुरू में प्रमोशन कर दी टीचिंग की कि आपको उस ऊंचाई पर खड़े होना पड़ेगा जहां से भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वो कह रहे हैं ना हन्यते हन्ने माने शरीरे शरीर के हन्ने होने से ये मरता नहीं है तो शरीर तो मर जाता है इसीलिए शर्मा जी हमारे हमारी संस्कृति इतनी खूबसूरत है हमें पढ़ा ही नहीं गया शब्दों का चयन देखिए हमारे संतों का शब्द इस्तेमाल होता है देहांत मौत हमारा शब्द नहीं है हमारी संस्कृति का शब्द नहीं है देहांत देह का अंत होता है वो गुजर गए देखो कितना प्यारा शब्द है यात्रा है मुसाफिर की मुसाफिर से सफर में दोस्ती कैसी है मतलब के ये एक सफर है और देह का अंत हुआ है अगर उसका देहांत हो गया मगर हम ध्यान नहीं देते शब्दों पर देहांत हुआ है देही का अंत नहीं हुआ जो उसके अंदर है सो देह और देही यहां से भगवान प्रश्न शुरू करते हैं अपना दूसरे ध्यान में क्योंकि अर्जुन का ये तो पहली बात गीता की शब्दों का चयन तो टीचर के लिए दो शब्द हैं सिर्फ हमारे पास दो गुण होने चाहिए बाकी सारी चीजें आ जाएंगी आप वो ली जा सकती है वो वो मतलब कहीं से ली जा सकती है ये दो चीजें होनी चाहिए अगर ये नहीं है तो कोई और प्रोफेशन कर लेना चाहिए देखो ना काम वो करो जिसमें आप भी खुश हो और दूसरा भी खुश हो आपको भी घर जाकर आनंद आए कि आज पढ़ाकर आए यार मजा आ गया और पढ़ने वालों को लगे कि यार हमारे जिंदगी में रूपांतरण हो गया अगर आप पढ़ा रहे हैं पढ़ने वाला आपकी क्लास में जो स्टूडेंट एक बार दरवाजा क्रॉस करके अंदर आ गया यह है प्राकाष्ठा सा परागति, सा सा परागति पढ़ाने की एक बार जो आपके कमरे में आ गया क्लासरूम में उसका जीवन रूपांतरण हो जाना चाहिए बस ऐसा कुछ कर दो ऐसा मैजिक कर दो कुछ क्लास में ऐसा कोई किमिया कर दो कुछ ऐसी बात कह दो उसके लिए शर्मा जी सिर्फ दो बातें आज कहेंगे आपसे दिल की बात कह लीजिए मन की कह लीजिए हमारी तो आत्मा की बात होती है और वो है पैशन और कंपैशन बस याद रखना आसान पैशन फॉर द सब्जेक्ट जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए जी लगे आपका ऐसा कि कभी जी ना भरे ऐसा होना चाहिए काम जी लगे आपका ऐसा कि कभी जी ना भरे दिल लगाकर घर सुने आप फ़साना दिल का ये है कि आप अगर आप सुने और वो सुने अगला सुनाए फिर तो मजा है वो तो पढ़ाना है बाकी नहीं तो फिर गोइंग थ्रू मोशन होता है वो भी हम नहीं करना चाहते तो आपको यू हैव टू हैव ए पैशन फॉर दी सब्जेक्ट आपके दिल में एक आग होनी चाहिए फायर इन द हाँ हाँ वो होनी चाहिए अगर फायर वैली में नहीं है तो टीचिंग क्या करेंगे आप मैं कोई कटाक्ष या कोई मेरा सरकाजम का मकसद नहीं है आज बात करने का मैं तो ये कह रहा हूं टीचिंग बहुत उच्चतर उच्चतर काम है इसको आम काम के साथ नहीं रिलाया जा सकता क्योंकि आम काम मान लीजिए आप बैंक में बैंक में काम करते हैं उसमें चाहे आप बैंक में काम करते हैं आप उसमें पूरा दिल लगाते हैं नहीं लगाते हंड्रेड परसेंट उसका अपने आप को देते हैं नहीं देते एक अलग बात है मगर टीचिंग में हजूर सब टीचर से कि आप जब व्यास गद्दी पर बैठकर बोलते हैं बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आप भगवत गीता कहती है कभी भी ज्ञानी व्यक्ति को दूसरे लोगों के मन में भ्रम भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए कुछ क्या कर तो बड़े ध्यान कर नपीतुली जुबान में बात करनी चाहिए और शब्दों का चयन एक साइंटिस्ट की तरह प्रिसाइज़ली करना चाहिए राइट ऑन द हेड हिटिंग द नेल ऑन द हेड तो ये तो पहली बात हो गई कि भगवत गीता जो है वो भगवान ने गाई है मैंने पिछली बार भी कहा था बनाई नहीं <laughs> फर्क है गाई है वो इतने प्यार गाया प्यार से जाती है चीज गाया प्यार से गाई है और एक अपने प्यारे दोस्त को सुनाई है। तो एक तो सखा बनना पड़ेगा उनका एक जहां वो खड़े हैं वहां खड़े होना पड़ेगा और दूसरी बात और बड़ी पते की बात भगवदगीता के बारे में है ये जो लोग कम्युनिकेशन का मेजर है ना जिनका वो पी कम्युनिकेशन जो भी है उनका और जो पत्रकार जुड़े हुए हैं हमारे साथ कुछ पत्रकार भी हैं आपने आ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वेबिनार के साथ बड़े बड़े महारथी जुड़े हुए हैं यहां मुझे पता लगा उनके लिए हमारी दो टूक बात यह है कि भगवत गीता की फिलोसफी देखिए दूसरा अध्याय समरी हेडलाइंस है वो जैसे आप न्यूज दे रहे हैं ना हेडलाइंस देन विस्तार फिर हेडलाइन अठारवा अध्याय और दो सबसे बड़े अध्याय यही है गीता में दूसरे के 72 अध्याय के सेवेंटी टू श्लोक हैं और अठारवे अध्याय के सेवेंटी एट श्लोक हैं और बाकी श्लोक अध्यायों के सब इसके नीचे हैं तो भौगोलिक फिलोसफी क्या है जो सबसे उत्तम बात है सबसे पहले कह दो अब भगवान ने जब ज्ञान देना शुरू किया दूसरे अध्याय के ग्यारवे श्लोक से तो सबसे ऊंची बात की अशोचन्य व शोचस्व प्रज्ञावाद भाषते गता सुन वा गता सुन ना अनुशोचंती पंडिता असतो ना सतो विद्य भावो ना भावो विद्य सदा दूसरे अध्याय का सिक्सटीन श्लोक उन्होंने कहा कि सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत्य का कभी एग्जिस्टेंस ही कोई नहीं उसका भाव ही कोई नहीं यानी कि अर्जुन को जो हाईएस्ट एजुकेशन है ना हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज ज्ञान शुरू में दे दिया फिर उसको थोड़ा सा अर्जुन के लेवल के हिसाब से विस्तार किया है तो जो कहना था दूसरे अध्याय में भगवान ने कह दिया था कोई ऐसी चीज नहीं है भगवत गीता में जो बीज रूप में दूसरे अध्याय में विद्यमान ना हो तो अगर कोई आदमी दूसरा अध्याय ही पढ़ लेता है उससे ही काम बन जाएगा बल्कि एक श्लोक से ही काम बन सकता है आधे श्लोक से काम बन सकता है अगर आप विचार करें कि सत्य का कभी यह भाव नहीं होता क्या ये बात शर्मा जी शरीर पर लागू होती है क्या शरीर का अभाव होता है हर रोज होता है जब आप स्वप्न में जाते हैं इस देह का अभाव हो जाता है ये तो आपके साथ होती नहीं है और जब आप गहरी नींद में जाते हैं प्रगाढ़ निंद्रा में जिसे हम योग निंद्रा कह सकते हैं <laughs> वैसे पता लगा आजकल लोग योग निंद्रा पर योग निंद्रा पर सेशन दे रहे हैं मैंने कहा यार कमाल हो गई <laughs> ये भी क्या बात है मगर जब आप गाढ़ नींद में जाते हैं शुक्ति में डीप स्लीप में जाते हैं उस वक्त क्या आपका शरीर आपके साथ होता है नहीं तो अनुभव तो हो रहा है ना आपको जब उठते हैं आप कहते हैं मजा आ गया I slept like a log. तो इसका मतलब क्या हुआ शुरू में बता दिया कि शरीर और शरीरी, देह और देही दो अलग अलग बातें हैं यह विवेक करना पड़ेगा इसलिए अर्जुन को कहा है ना अनुशोचि पंडिता पंडित बनो पंडित कौन है आपको बताया था शेयर किया था आपके साथ पंडित वो है जिसके दिमाग में ये विवेक है कि क्या चीज रहती है क्या चीज नहीं रहती तो ये तो साइंटिफिक बात है कि शरीर चेंज हो रहा है आज जो आप नजर आ रहे हैं मुझे यहां पर उजागर हो रहे हैं खूबसूरती से मेरे सामने ये आज से पचास साल पहले नहीं थे आप। आपका शरीर डिफरेंट था और जब आप पांच साल के थे तो बिल्कुल डिफरेंट था मैं भी ऐसे ही था तो अगर शरीर हमारा स्वरूप होता तो स्वरूप कभी चेंज नहीं होता किसी चीज का अग्नि का स्वरूप जलना है तो क्या कभी समझ सकते हैं आप अग्नि जो है वो पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या अमेरिका में अलग हो जाएगी नहीं अग्नि तो उसका स्वभाव है हमारा स्वभाव क्या शरीर है? तो सबसे बड़ी भूल हम ये करते हैं दे हम नाहम मैं दे नहीं हूं रमन महर्षि एक ऐसे एक वाहिद संत हुए हैं हिंदुस्तान में पिछली सदी में मैं वाहिद शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं उनके लिए जो 16 साल की उम्र में कुछ ऐसी प्रभु की कृपा हुई अनुभूति हुई उनको कि वो ब्रह्म में ब्रह्म में लीन हो गए 16 साल की उम्र में और जितनी दिन जिंदगी रहे उस अवस्था से उतरे ही नहीं कभी नीचे इसे सहज समाधि कहते हैं ये कॉन्सेप्ट किसी दुनिया की साइकोलॉजी में नहीं सहज समाधि साधो सहज समाधि भली कबीर साहब कह रहे हैं कि हे, हे मेरे दोस्तों साधो सहज समाधि भली तो उस समाधि में वो वहां बैठे हुए हैं कभी नीचे नहीं उतरे कोई क्वेश्चन करे जो भी उनसे प्रश्न करते थे तो उनको पूछते थे प्रश्न कौन कर रहा है <laughs> वो आपको उस जगह पर ले जाते थे वापस जहां से क्वेश्चन का उद्गम हो रहा है ओरिजिन हो रहा है शरीर श्री, क्वेश्चन कर रहा है जुबान कर रही है नहीं दिमाग कर रहा है नहीं दिमाग को भी रोशनी हो रही किसी चीज की वो जो प्रकाश है जिसके प्रकाश में ये प्रश्न उठ रहे हैं उसको जानो वहां बचा देते दे थे को। तो वो ये उनका उनका जो सिद्धांत था वो एक बार किसी ने कहा खुलासा करो जो अपने Try to give us executive summary. क्योंकि लोग बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि कभी भी किसी सर्जन के पास जाकर नहीं करें कहेंगे ट्रेनिंग में कि जी मुझे कोई आसान तरीका बताओ सर्जन बनने का वहां पर कहेंगे ठीक है पूरा टाइम लगेगा हजार घंटे लगाएंगे इंटर्नशिप होगी मगर संतों के पास जाकर कहते हैं कि हे भजूर कुछ ऐसा तरीका बताओ कि कुछ ना करना पड़े और भगवान मिल जाए हमने अपनी प्रेजेंस में सुना हुआ है हम बैठे हुए थे ऋषिकेश में तो कुछ लोग आए ग्रस्त लोग आए उन्होंने स्वामी जी से कहा और स्वामी जी मुस्कुराए तो उन्होंने कह दिया उनको उन्होंने कुछ बता दिया उनको बड़ा अच्छा बताया उन्होंने उन्होंने बहुत अच्छा बताया बिगड़ी जन्म अनेक की हाँ 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 ये जवाब दिया था उन्होंने गंगा किनारे बैठकर बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी कहां बैठे हुए हैं कोई बात करके बताए हमें एक एक चुपाई लिख नहीं सकते हम इत, इतना स्टाइल है उनका एक बार तो पहले ये बात खत्म करते फिर एक और बात प्रसंग याद आ गया बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज अभी और अभी आज सुधर सकती है किससे इतने जन्म हुए हमारे उसमें पता नहीं क्या संचित कर्म हुए अच्छे कर्म हुए बुरे कर्म हुए कितनी जोनियां हुई मगर तुलसीदास जी कह रहे हैं बिगड़ी जन्म ने की सुधरे अभी आज होए राम का नाम ले पहले भगवान के हो जाओ देखो ना किसी का होना पड़ता है आपको पिछली बार ये शेर हुआ था कि ना हम कुछ हंस के सीखे हैं ना हम कुछ रो के सीखे हैं अगर थोड़ा सा सीखे हैं किसी के हो के सीखे हैं तो वो कह रहे हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज होए राम का नाम ले तुलसी के वो सब छोड़ो, सब कुछ छोड़ो कुछ बस प्रभु के हो जाओ और जब आप हो गए वो एक राजा था उसकी एक व्यक्ति था उसकी दो पत्नियां थी तो वो फॉरन गए कुछ लेने के लिए तो एक बड़ी लंबी लिस्ट दे दी दूसरी ने ज्यादा लिस्ट नहीं दी कोई तो जो वापस आए ना वो तो जिसने तो वो चीजें भेजी उसने कहा जी मुझे चीजें नहीं चाहिए आप जब आए तो आप ही आ जाना मेरे लिए सब कुछ वही है अब देखिए जब वो आदमी वापस आया तो उसने उस पत्नी को तो वो सारी चीजें दे दी भिजवा दी किसी के हाथ में मगर दूसरी से वो खुद मिलने देखिए ये बात है कि आप चाहते क्या भगवान से चीजें लेनी है भगवान को लेना है तो जब आपने उनको लेना है उनसे तो वो ही देंगे ना फिर आप कर आपको तो दर्शन देने पड़े उनको तो ये तो बात हम जो स्टोरी सुना है ना ये ये सच और होती है। इसके जरिए एक, एक, कहानी के एक message प्रवचन करते हुए उन्होंने कहा जी तुलसीदास जी ठीक ठीक है उनका ठीक ठीक काम ऐसा नहीं बहुत दूर बैठे हुए हैं वो बहुत दूर मैं एग्जाम्पल देता हूं एक बार आ, मैं अब उस राजा का नाम लेना ठीक नहीं समझता उन्होंने कहा कि भाई हम हमें इनाम देना है जो सबसे बड़ा कवि है हमारा तो वो तुलसीदास जी के पास गए वो कहते हैं जी आपको यहाँ का जो हिंदुस्तान का राजा है उसने बुलाया है आपको उसके सामने आप जाइए और वो इनाम देना चाहता है सबसे बड़ा कवि सबसे बड़े कवि तो आप ही हैं कहता है जी हम तो सिर्फ एक एक राजे के दरबार में जाते हैं भगवान राम है हमारे लिए और कोई राजा नहीं है सो ही रिफ्यूज ऐसे ऐसे संत हैं ये क्या संत हैं जी उन्होंने कहा जी आप पता नहीं किस हिंदुस्तान के राजे की बात कर रहे हैं हमारे लिए तो ब्रह्मांड का राजा ये भगवान राम वो बुलाएंगे तो जाएंगे खुदा के घर भी ना जाएंगे बिन बुलाए हुए ये है उनका अंदाज तो वो नहीं गए और उसके बाद वो तो सूरदास जी के पास चले गए अब सूरदास जी फकड़ आदमी है <laughs> वो वो उनको फर्क ही कोई नहीं पड़ता कहता हम चलते हैं चले गए सूरदास जी दरबार में चले गए राजा ने पूछा सवाल कर दिया कहते भी सबसे बड़ा कवि कौन आपके तुलसीदास जी कहता जी कभी तो हम सबसे बड़े हैं तो लोग चुप कर गए कि यार ये ये क्या चीज अपनी अपनी तरीफ आप ही कर रहे हैं अपने मुंह से तो उनको लगा शायद मैंने गलत सुना है उन्हें एक बार और प्रश्न किया कहता जी तुलसीदास जी भी हैं और आप भी हैं मगर दोनों में से सबसे बड़ा कवि कौन है कहता जी कवि तो सबसे बड़ा मैं हूं तो राजे से रहा नहीं गया उसने कहा जी फिर तुलसीदास जी के बारे में आपका क्या विचार है कहता वो कवि नहीं है वो तो मंत्र लिखते हैं क्या बात है क्या बात है देखिए ये रिस्पेक्ट है हमें सीखना चाहिए कि दूसरे को उसका ड्यू देना जो ड्यू है उसका वो वो कहते हैं वो, वो कविता नहीं लिखते कविता तो मैं लिखता हूं इसलिए कवि तो मैं ही बड़ा हूं मगर वो तो मंत्र लिखते हैं उनका एक एक छुपाई मंत्र है प्रभु जी तो ये उन्होंने बता दिया उनके जरिए से तो भगवत गीता में जो सबसे उच्चतम ज्ञान है वो पहले दे दिया जाता है किसी अध्याय में भी ये एक मेथोडोलॉजी है कि जो पहले दो चार श्लोक है ना अध्याय के और फिर अध्याय के अंत में उसका उपसंहार कर देंगे तो उसको पहले शुरुआत करके फिर उसका परिसमाप्ति कर देंगे मगर अगर आपको ये मेथडोलॉजी नहीं पता और दूसरी मेथडोलॉजी तीसरी भगवत गीता में सब्जेक्ट को बिल्डअप किया जाता है एक लेवल पर भगवान कहेंगे कि योग से गति हो सकती है कर्म योग अंतिम शोर है तो अगर आप वहां किताब बंद कर देंगे आप कहेंगे आप उसको कहेंगे यार कदम कर्म हमें तो मिल गया ऐसा नहीं है वो बात उस वक्त कही गई थी अभी और अध्याय बाकी है, है? अभी और यात्रा बाकी है क्योंकि मैंने पिछली बार अच्छा तो कंपैशन की बात कहां से आ गई पैशन तो है ही है अर्जुन ने कह दिया ग्यारह ग्यारहवें अध्याय के शुरू में कि मेरा अज्ञान नष्ट हो गया तो भगवान ने कहना चाहिए था ओके नाउ लेट्स स्टार्ट फाइटिंग नहीं भगवान को पता है कंपैशन है उनकी आउट ऑफ कंपैशन उसको लग, लग रहा है वो ऐसे कह रहा है उसका हुआ नहीं अभी तक इसलिए उन्होंने और समय उसको लगाया तो ये दो चार बातें हमें पता होनी चाहिए भगवत गीता के बारे में तब हम इसको हमें इसका समझ आएगी मगर सबसे बड़ी बात जो भगवत गीता को समझने के लिए है और किसी भी ग्रंथ को समझने के लिए है वो है आपकी मनोवृत्ति हमें आपने इसके बारे में एक इशारा किया था हमें वहां एक अहमदाबाद के पास एक जगह है कुंडल धाम बड़े प्यारे लोग हैं वहां पर संत वहां पर जो स्वामी जी हैं है स्वामी जीवन दास जी। तो एक बार हमें बड़े प्यार से कहा कि सतेंद्र जी अगर आप हिंदुस्तान में आए ये उनका प्यार है इसमें हमारी कोई मेहमा नहीं है प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग वो तो वो देख लिया उन्होंने हम नजर आ गए उन्होंने कर्म किया हमारे पर कि जब आए तो अगर किसी पुस्तक की ट्रांसलेशन करनी तो आप यहाँ आके कीजिए तो मैं मैं वहां गया कुंडल धाम में तो वहां हमें मौका मिला वो वो ट्रांसलेशन करने का तो वहां पर बड़े -बड़े वहां पर पर मैंने ऑब्जर्व किया कि बड़े बड़े महारथी हैं एक एक वन पर्सन हु ब्रेन न्यूरो साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो वो छोड़ के वहां संत बन गए कोई ये नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिली तो आप वहां संत बन गए ऐसा कोई काम नहीं वहां पर था 200 के करीब इन रेजिडेंस संत थे और सब महारथी थे महारथी और बहुत कुछ छोड़ के सब कुछ करने के बाद यानी करने का मतलब सब कुछ हासिल करने के बाद पूरी सफलता लेने के बाद उनको लगा के वो चीज वो जहाँ वो नहीं मिली तो वहां आ गए तो मैंने ये नोट किया कि उनमें एक खासियत थी वो बड़े हम्बल थे तो जब आप देखते हैं ना कि ये आदमी वहां से आया है इसके पास इतना कुछ है फिर भी ये इतना हम्बल है इसकी मैं खत्म हो गई है तो गीता को समझने के लिए किसी ग्रंथ को समझने के लिए देखिए अर्जुन बैठे हुए हैं नीचे भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं और ऊपर झंडे पर कौन बैठे हुए हैं हनुमान जी वो भी सुन रहे हैं उपदेश जब युद्ध शुरू हुआ तो भगवान कृष्ण ने उनको उनका आवाहन किया और उन, उनको झंडे पर लगाया कि इसकी भी जरूरत है इस प्रोटेक्शन की भी हमें जरूरत है तो उन्होंने भी सुना था अर्जुन ने नीचे बैठकर ज्ञान लिया है भगवान यहां खड़े हैं और अर्जुन बैठा हुआ है घुटनों के बल और ऐसे हाथ जोड़कर बैठा हुआ है नमन कर रहा है विनय है उसके पास तो सबसे पहले मैं को मारना पड़ता है तो मुझे कुछ याद आ रहा था कि मैं मार मुकावे जेड़ा देखिए पंजाबी की खूबसूरती यह है कि डायरेक्ट बात होती है डायरेक्ट इसमें कोई लाग बनाव नहीं है शब्दों का सीधी है मैं मुकावे जेड़ा साफ करे इस दिल दा वेड़ा होता आंगन अपने दिल के आंगन को साफ कर लो अपनी मैं को मार लो ये कह रहा है शायर संत कह रहे हैं ये शायरी नहीं है संतों की चीजें हैं मैं मार मुकावे जेड़ा साफ करे इस दिल दा वेड़ा काट दे दिलों गुरूर अखियां खोल जरा रब नहीं वसदा दूर अखियां खोल जरा तो ये जो अंदाज है संतों का कि साढे हमारा जो हमारी इच्छाएं हैं वो बाहर को जा रही हैं घोड़े दौड़ रहे हैं दिल दिया वागा मोड़ जाए कोई दिल दिया वागा मोड़ दे जेड़ा कोई ऐसा संत मिले ये दरखास्त है एक साधक की कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए दिल दिया वागा मोड़ दे जेड़ा कोई ऐसा संत मिले रूह नब न दे जेड़ा कोई ऐसा संत मिले तो ये जो मैं को मारना है फरीद साहब कहते हैं फरीदा मैनु मुंज के फरीदा मैनु मुंज के वो हमारे बाण होता है मुंजते हैं उसे छोट लकड़ी से उसको मार मा, उसको पीटकर छोटा बनाते हैं बाण को वो जो बटसन का जो होता है फरीदा मैनु मुंज के निक्की निक्की कुट परे खजाने रब दे जो पावे सो लुट अगर वो मैं खत्म हो जाएगी फिर तो सारा खजाना भरा पड़ा है कुदरत का वो आपको मिल जाएगा तो ये अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना कि मन जो है क्योंकि सारा काम सारी अड़चन हमारे मन की है मन जो है मनेव मुनुष्यानाम कारण मोक्ष बंधनम मन ही मनुष्य के मोक्ष और बंधन का कारण है तो जब हम मन को मिटा देते हैं, हैं हमारा क्या है हमारी रुचि है मेरा ये हो जाए मेरा वो हो जाए मेरे दिल की बात पूरी हो जाए सब आदमी यही कर रहे हैं भगवत गीता ये कह रही है कि आपको किसी ऐसे टीचर के पास जाना पड़ेगा यह गुरु गम्यम ज्ञान है गुरु से मिलने वाला ज्ञान है गुरु गम्यम ज्ञान वह किताबों से नहीं मिल सकता क्योंकि किताबों के पढ़ने से मैं नहीं मरती बल्कि और प्रबल होती है देखिए शर्मा साहब अगर आप अगर मैं मैं को ही बड़ा करता जाऊंगा मान जिसे कहते हैं मान ये एक और बात आपको आज आज इस टॉपिक पर लगे हैं तो सुना सुनाई देते हैं कि बात बात जो, जो बात जो हो रही है यहाँ पर वो ये है कि हमारी जो कबीर साहब ने कबीर साहब की खूबसूरती ये थी वो कई बार बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते थे बड़ी सख्त जुबान मगर टीचर्स हैं टीचर देखिए टीचर का काम क्या है आईना दिखाना अगर आईना देखकर कोई गुस्सा करे तो इसमें टीचर का कोई कसूर नहीं है आईने आपको, आपको की, तो फिर वो साफ करनी पड़ेगी ना नहीं तो फिर वही होगा उम्र भर गालिब बस यही भूल करता रहा धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा तो टीचर का मकसद ये है कि आपको आईना दिखाना जैसी चीज है आपको दिखा देना अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहता है तो वो उसको देखकर सुधार लेगा अपने को मगर अगर वो चेंज करना चाहेगा देखिए मान लीजिए मेरी शेप बड़ी हुई है मैंने एक आईने में देखा तो किसी ने किसी संत से पूछा कि भाई आ, कितने उपनिषद पढ़ने चाहिए एक, वो तो 108 हैं, तो उन्होंने कहा एक ही काफी है वो कहते हैं जी वो कैसे <laughs> तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर आपकी शेप बड़ी हुई है तो कितने शीशों में देखना पड़ेगा आपको एक में ही काफी है और शेव कर लो उनका मतलब यह था कि एक चीज को पकड़कर होए एक का नाम ले अपना काम बना लो तो उसके लिए मैं को मारना पड़ता है तो कंचन तजना सुलभ है सहज है पैसे का त्याग करना सुलभ है हुँ? और सहज प्रिया का हेत जो कोई आपका प्रिय है पत्नी है जो भी है उसका त्याग भी सहज है हालांकि मुश्किल है पैसा जोड़ना और उस आ, कंचन कामिनी जिसे कहते हैं तो वो कहते हैं ये सहज है तुलसी अपना कबीर साहब कह रहे हैं मगर मुश्किल क्या है मुश्किल क्या है कि अपने मान बढाई और ईर्षा को छोड़ना जो है तजना उसका वो दुर्लभ जग में यही सिर्फ जग में दुर्लभ के मान बढ़ाई मान बढ़ाई को अगर हम मान का मान करते रहेंगे तो हम अपना निर्माण नहीं कर पाएंगे शब्दों का शब्दों पर ध्यान दीजिए जरा अगर मैं अपने मान को ही बनाता रहा पुख्ता करता रहा तो फिर मैं जिंदगी में आत्मा का निर्माण नहीं कर सकता इसलिए अपने आप को छोड़कर अपनी मैं को छोड़कर हमें गीता के पास एक इस साधक के रूप में और इस प्रार्थना के साथ के प्रभु आप इसका मीनिंग बड़ा डीप है हमें थोड़ा क्लियर करके बताइए आज मेरी इच्छा है कि मैं आपको छवें अध्याय पर कुछ बताऊं शेयर करूं आपके साथ ये बड़ा विलक्षण अध्याय है बहुत विलक्षण अध्याय छेवा मैं आपको बताऊंगा कि क्यों विलक्षण है हालांकि इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को ध्यान की बात करते हैं ये जो है इसको वो कह रहे हैं कि ये ये भगवान ने इसमें अर्जुन को आत्म संयम योग की बात की है आत्मसंयम योग आत्मसंयम योग मगर और आम लोग जो इसको इस पर टिप्पणी करते हैं वो कहते हैं कि इसमें मेडिटेशन के बारे में बताया गया है हालांकि हालांकि मेरे मेरे मेरी रीडिंग में एक ही ऐसा श्लोक है छे शे, छेवें अध्याय का पच्चीसवा श्लोक जहां पर भगवान ध्यान के बारे में एक ऐसी बात कह जाएंगे जो कि दस ग्रंथ लगा दें फिर भी नहीं कही जा सकती मगर उन्होंने आधे श्लोक में छेवें अध्याय के उत्तरार्थ भाग में पच्चीवे श्लोक के सेकंड हिस्से में कह दी तो पहले वो कहकर आपको एग्जाम्पल देकर मैं कुछ ऐसे श्लोक आज शेयर करूंगा

हमें अवार्ड भी मिला मैंने आपको शेयर किया था जो जो लोग थे हमारे साथ 2016 में हमने पैनल में एक शिरकत की भगवत गीता का उसमें स्वामी सर्वप्रिया जो कि मेरे हिसाब से इस वक्त रामाकृष्णा मंच रामाकृष्णा परमहंस जो मंच है उनका जो संप्रदाय है उसके शायद सबसे ज्यादा वरिष्ठ जो है माननीय व्यक्ति हैं इस वक्त तो वो उस वक्त लॉस एंजल्स में थे तो उन्होंने कृपा की उन्होंने वो अटेंड किया हमारे साथ और वो वन ऑफ पैनलिस्ट थे और बड़ा उसे लाभ हुआ हम सब लोगों को तो ये प्रश्न हमेशा होता है हमारे साथ हमारे से कि इसका क्या फायदा है क्योंकि हमारे हमारा जो माइंड है ना वो चलता ही ऐसे है अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा मैंने कई बार तो मुझे एक बार किसी स्टूडेंट है उसको मैंने ये कह दिया मैंने कहा कि वेन यू विल स्टॉप आस्किंग दिस क्वेश्चन

सर्व आत्म भाव आता है कि जो आत्मा आप में है वो मेरे में है जब तक शर्मा जी सर्व आत्म भाव नहीं आएगा आप जो मर्जी करके देख लीजिए दुनिया का कोई फिलॉसफी आप लगा के देख लीजिए कॉम्युनिज्म कौन, से लेकर जहां जहां तक आप जाना चाहते हैं सोशलिज्म और सारी फिलोसफी कैपिटलिज्म लगा दीजिए तब तक सुंदर समाज का निर्माण नहीं होगा हमने स्वामी शर्णानंद जी महाराज से सुना है कि करने लायक दो ही बातें हैं जिंदगी में अपने जिंद अपने जीवन को सुंदर बना लो और सुंदर समाज का निर्माण कर लो अपने जीवन को सुंदर बनाओगे तो समाज भी सुंदर बनता जाएगा तो भगवत गीता जो है जो सबसे बड़ी एक आपको दृष्टि दे देती है दृष्टि दे देती है कि जो शर्मा साहब में और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज और जो सब लोग हैं सुनने वाले जो नहीं सुन रहे वो भी उनमें एक ही एक ही चेतन साक्षी एक ही सब में एक है और जब वो एकता आपको पता लग जाएगी ये नहीं कि इंटेलेक्चुअल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो तो सबको हो सकती है आप दो चार किताबें पढ़े आपको इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट मेरी इन ये जो शर्मा जी ने मुझे मौका दिया है आपके साथ विचार वटांद्रा हम कहते हैं हमारे पंजाब में शेयरिंग ऑफ आइडियाज विचार वटांदरा करने के लिए मुझे ये मौका दिया है उसका सिर्फ और एक सिर्फ मकसद एक ही है

यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मई पश्यति जो मुझे सब में देखता है और सब मुझ में देखता है ऑल इन सेल्फ सेल्फ इन ऑल कई बार हम कहते हैं शब्दों पर ध्यान दीजिए द वर्ड स्मॉल हैज वर्ड ऑल इन इट स्मॉल शब्द के आखिरी तीन तीन लेटर्स जो है ना वो ऑल हैं तो आप अगर अपने आप को स्मॉल समझते हैं तो बूंद में समंदर है तो ये एक आंख है भगवत गीता दे देती है जब आपको ये लगेगा कि सामने वाला सामने वाले मेरे स्टूडेंट्स में वही सत्ता विद्यमान है, है तो आप किसी का नुकसान कैसे कर सकते हैं? इससे बड़ा फायदा और क्या हो जाएगा बताइए आप अगर आपकी जिंदगी में ये दृष्टि मिल जाए आपको दृष्टिम ज्ञानमयी कृतवा ब्रह्मेव भ जगत ब्रह्म जगत दृष्टि ज्ञानमयी की सारा जगत ब्रह्म में हो गया सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं को दृष्टि हो गई सिया राम में सब जग जानी करूं प्रणाम जोग जुड़ पा तो बड़ी ही मिसालें हैं मिसालों की कमी नहीं है हमारे पास समय की कमी जरूर है तो मिसालें तो दी जा सकती हैं शास्त्रों में से और हर शायरी में से फिलोसफी में से तो मैंने जब ये कहा कि अगर दुनिया के दुनिया में कुछ पढ़ने लायक और सीखने लायक और मनन करने लायक है

उनके साथ उनके अंदर जाकर उस संप्रदाय के अंदर जाकर उसके स्टूडेंट बनकर देखा ताकि उनके अंदर के भेद आपको पता लगे मैं उसके बेस पर आप आपको वो शब्द कह रहा था ऐसे सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा था कि हिंदुस्तान का जो भारत का भारत वर्ष का जो अध्यात्म है जिसके बारे में भगवत गीता अध्यात्म योगा की बात करती अध्यात्म योग की तो वो छेवें दहाय के पच्चीसवें श्लोक में अगर आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए कि आपका जन्म धन्य हो गया तो क्या कह रहे हैं प्रभु वहां वो कह रहे हैं कि आत्म मेडिटेशन की अल्टीमेट कुंजी है दिस इज अल्टीमेट सीक्रेट टू मेडिटेशन क्या मन जो है देखिए मन की धारा कैसे बहती है शर्मा जी बाहर को मुझे वो मिल जाए ये बड़े अच्छे सुंदर बड़े नजारे हैं वहां चले जाऊं बाहर बह रही है धारा धारा है ना बाहर बह रही है। उसको मोड़ना है धारा जब उल्टेगी तो राधा बन जाएगी शब्दों पर ध्यान दीजिए जरा आज धारा को उल्टा लिखो राधा बन जाती है और राधा भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है बहुत पसंद है तो सारा कीनिया भगवत गीता का है हमारी धारा को राधा में बदलने का देखिए छोटी सी बात है मगर बात है कि ये जो और यही चीज हमें उपनिषद कह रहे हैं आवृत चक्षु कश्चित धीरा कोई कोई व्यक्ति कश्चित धीरा में यमराज नचिकेता को कह रहे हैं कि कोई कोई व्यक्ति करोड़ों में कोई व्यक्ति कच्चित धीरा धीर जो है धीर जिसके पास करेज है यू नीड यू हैव टू हैव करेज टू फॉलो दिस पाथ शुरस्य धारा है ये रेजर्स एज कवियोवदी तो ये कोई कोई व्यक्ति कश्चित धीरा जो प्रज्ञा जो देखना चाहता है उसको आवृत चक्षु अपनी आंखों को मोड़ लेता है अंदर की तरफ ये यात्रा सारी अंदर की है अंदर की यात्रा है तो इन ऑर्डर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ भगवदगीता थोड़ी बहुत अंतर्मुखी बुद्धि बनानी पड़ेगी आपको You have to turn inward. मैं ये नहीं कह रहा डाइव विद इन वो बिल्कुल यूजलेस है बातें लोग ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं आप किसी से पूछिए आपको किसी ने कह दिया डाइव विद इन उसका क्या मतलब हुआ अंदर कोई तालाब है स्विमिंग पूल है जिम्मे डाइव करना आपने मगर लोग सुनते हैं ताड़ी जाते हैं लाइक करते हैं उससे क्या मिलता है मैं ये पूछ रहा हूं आपको कि यहां कहा यह जा रहा है कि इट इज एन इनवर्ड जर्नी इसके लिए आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा जो आपकी धाराएं हैं आंखों की कानों की नाक की सब कुछ बाहर को है के बाहर से मिल जाए चक्षु है? तो फिर उसको उसको वो आ, आ, जो है अमृत तत्व इच्छेन जो अमृत तत्व की इच्छा करता है उसको ये करना पड़ता है आत्मना इत उसको देखता है प्रज्ञात इनर सेल्फ को देखने के लिए सेल्फ कहां है? है तो हर जगह देखिए सेल्फ हर जगह है जो ही ब्रह्मांडे सोई पिंडे जो बाहर है वही अंदर है।, है मगर बाहर देखने से पहले हमें उसको अंदर पूरी तरह से उसका ज्ञान प्राप्त करना है उसकी अनुभूति प्राप्त करनी पड़ेगी सिर्फ ज्ञान नहीं विज्ञान ज्ञान विज्ञान सहितम उसका हमें विज्ञान पता होना चाहिए अगर अंदर आपको नजर आ जाएगा वो फिर बाहर भी सब कुछ वही नजर आएगा क्योंकि बाहर भीतर एक को जानो ये गुरु ज्ञान बताई गुरु ने यह ज्ञान बताया कि अंदर बाहर एक ही है मगर शुरुआत अंदर से होगी वाय क्योंकि वो बहुत नजदीक है अगर आपने उस व्यक्ति को ही नहीं जाना जो आपके सबको नजदीक है, है बिछड़े हुए हैं अपने आप तो न मिलन जाइए दोस्तों जब आदमी अपने आप से ही बिछड़ा हुआ है तो दूसरों के साथ मिलकर क्या करेगा सवाल तो यह है कि अपने आप को देखना है जो अंदर व्यक्ति है वो जो रह रहा है इस देह में क्या हम उससे मिले हैं तो भगवत गीता कहती है कि उसको यहां कह रहे हैं प्रभु प्रभुस मना कृत्व कि, आत्म कि अपनी आत्मा को अपनी सॉरी अपने मन को आत्मा में स्थित कर लो ये है हिंट कि जो बाहर की धाराएं हैं उनको मोड़कर उन सब का जो साक्षी है देखने वाला है मैं मैंने साक्षी शब्द कई बार इस्तेमाल किया है मैं आज थोड़ी सी उसकी वजाहत करना चाहता हूं ताकि हम हमारी जो अगले हैं उसमें थोड़ा सा एक 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 एकता हमारी बन सके आत्मीयता बन सके शब्द के साथ साक्षी देखिए जब हम बाहर देखते हैं जैसे कोई बाहर नजारा देख रहे हैं जैसे आप कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हैं उसकी साक्षी आंखें हैं आपकी ठीक है कंप्यूटर स्क्रीन इज एन ऑब्जेक्ट आईज आर द सब्जेक्ट। मगर आंखें भी अल्टीमेट सब्जेक्ट नहीं है अंतिम साक्षी नहीं है क्यों क्योंकि आंखों को भी आंखों को, को भी आप जानते हैं आंखों का अनुभव हो रहा है आपको आप जब कहेंगे मेरी नजर कमजोर हो रही है कई लोग कहते हैं ना कि मुझे चश्मा बदलना चाहिए नजर कमजोर हो दूर की नजर कमजोर हो गई है तो इसका मतलब हुआ आंखों की नजर का अनुभव हो रहा है वो किसको हो रहा है वो मन को हो रहा है अच्छा आपके मन को पता है मुझे पता है फिर मन के मन अंतिम है नहीं हम मन को अंतिम मान पहले तो हमने शरीर को अंतिम मान लिया शरीर अंतिम चीज नहीं है शरीर जड़ है अब आप कहेंगे जी शरीर जड़ कैसे है ये तो बिल्कुल कॉन्शियस है इसमें कॉन्शियसनेस जो है वो उधार ली हुई है जैसे चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं है कहां से उधार ली है सूर्य से इसी तरह से शरीर ने रोशनी उधार ली हुई है कहां से ली है अब हम देखते हैं कहां से ली है आंखों से ली है नहीं क्योंकि आंखें भी जो हैं उनके पीछे मन है इंद्रियों के पीछे मन है मन के पीछे बुद्धि है हैं क्योंकि बुद्धि डिसाइड करती है आपका मन कर रहा है कि मैं आज थोड़ा सा आराम करूं मगर बुद्धि कहती है कि शर्मा जी ये आज ये तो वेबिनार का समय है अब आप आराम नहीं कर सकते बुद्धि वीटो कर देती उसको तो आप कहते ठीक है बात बुद्धि की बात मान ली आपने तो इसका मतलब मन से परे बुद्धि इंद्रियों से परे शरीर इंद्रिया इंद्रियों से परे मन मन से परे बुद्धि बुद्धि से परे अहंकार क्योंकि बुद्धि भी जो है ना आपकी फिर आप कहेंगे यार मैं तो अपना मर्जी का मालिक हूं मैं नहीं परवाह करता वेबिनार की चलता रहे मैं तो हाँ उठ के चला जाऊंगी यहां से तो उसको आपने बुद्धि को वीडियो कर दिया देखिए हम बुद्धि की बात हमेशा नहीं मानते ये, ये दिस इस इए, दिस इज इज ए ए कॉमन एक्सपीरियंस हमारा तर्क कह रहा है कि ये काम नहीं करना मगर हम फिर भी करते हैं तर्क कह रहा है कि खाना काफी खा लिया अब बस कर दो मगर आप कहते हैं थोड़ा सा यू नो वो एक आदमी था वो खाना खाता गया खाता गया वो कहता है खाना आया वो एक ना, नान नान लेकर आया गार्लिक नान वो कहता आप जगह नहीं तो फिर रसगुल्ले आए या गुलाब जामुन आए तो वो खाने लग गया तो जो जो द सर्वर कहा कि हजूर आप तो कह रहे थे जगह नहीं है तो ये जगह तो उसने उसको समझाया कहता मेरे दोस्त बात सुनो आपको पता है कि शहर में ट्रैफिक होता है कहता हाँ जी बड़ी भीड़ होती है कहता हाँ कहता जब गवर्नर की कार आती है तो सारे रास्ता दे देते हैं कहता ये जो ये, ये जो ये जो ये जो गुलाब जामुन है ना ये गवर्नर की कार है हालांकि जगह नहीं है अंदर बिल्कुल जगह नहीं है मगर जब रसगुल्ला जाएगा उसको सब रास्ता दे देंगे <laughs> तो ये यानी कि मन कर रहा था खाने के लिए बुद्धि का वीटो पसंद नहीं किया क्योंकि आपका अपना था अब अहंकार जो है वो भी अल्टीमेट नहीं है क्योंकि उसका भी अनुभव होता है आपको आप कई बार हमें होता है कि हमने मान लीजिए मीटिंग में है तो हमने कोई बात कह दी तो लगा यार थोड़ा ज्यादा हो गया है ऐसा आपको दिल लगेगा यार आज थोड़ा ज्यादा हो गया यू हैव গন ऑन ए लिम टू 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 एक्सपोज सम सम थिंग्स तो फिर आप माफी मांग लेते हैं इसका मतलब हुआ अहंकार का भी आपको अनु, अनु, अनुभव हो रहा है जिस चीज का हमें अनुभव होता है साइंस का रूल है वो हमसे अलग होती है एक्सपीरियंसर एंड एक्सपीरियंस्ड ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट आर डिफरेंट अब अहंकार का अनुभव किसको हो रहा है वो अंतिम साक्षी कौन है वो आप हैं। गीता हमें वहां ले जाना चाहती है वो आत्मा है देखिए जब आप नींद में सोए होते हैं शर्मा जी क्या नींद नींद की साक्षी हो सकती है नहीं नींद की नींद साक्षी कहां से होगी जो है ही नींद अपने आप में देखिए बड़ी संतों से ली हुई बात है ये ये, ये जुकत है गुरबाणी कहती है जोर ना जुगत छुटे संसार जोर से संसार नहीं छूटता युक्ति से छूटता है ये युक्ति है संतों की नींद नींद जो है वो की साक्षी नहीं हो सकती तो नींद का साक्षी कौन है जिस वक्त ना तो आपके पास आपकी सेंसेस हैं ना माइंड है ना बुद्धि है ना पद प्रतिष्ठा है ना आपको पता कि आप कौन है उस वक्त फिर भी कोई जाग रहा है जब सब कुछ सोया हुआ है कोई तो जाग रहा है आप कहेंगे जी आप कैसे कह सकते हैं किस जोर पर तर्क के जोर पर क्योंकि साइकोलॉजी में मेमोरी का जो रूल है इट्स अ लॉ ऑफ द मेमोरी। दैट इन ऑर्डर टू रिकॉल समथिंग यू हैव टू एक्सपीरियंस इट किसी अनुभव को रिकॉल करने के लिए मेमोरी को दोबारा बुलाने के लिए पहले उसका अनुभव होना चाहिए नहीं तो आप रिकॉल किसको करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि जब आप जागृत में जागते हैं आप कहते हैं मैं बड़े आनंद से सोया इसका मतलब सोने के वक्त आपको जो आनंद हो रहा था वो किसको हो रहा था और क्या वो बाहर का आनंद था नहीं वो अंदर का आनंद था अंतर आत्मा का आनंद है भगवान हर व्यक्ति को शर्मा जी देखिए प्रभु की कृपा देखिए हर व्यक्ति को जो मर्जी रिलीजन हो आपका जो मर्जी आपका जेंडर हो जो मर्जी आपकी एज हो जो मर्जी आपका इनकम लेवल हो सबसे डेमोक्रेटिक चीज है नींद उससे डेमोक्रेटिक और कोई चीज नहीं है तो हर व्यक्ति को हर रोज नींद में भगवान यह अनुभव देते हैं कि तुम्हारी आत्मा का जो निजानंद है दैपीनेस विच विच इज नेचर ऑफ यूर सेल्फ इज इज वट यू आर उस जो आपको नींद में आनंद आ रहा है अब आप इमेजिन करके देखिए शर्मा जी ये इतनी बड़ी गिफ्ट है गॉड की नेचर की कि आदमी को जितना मर्जी दुख हो जितनी मर्जी चिंताएं हो उसको क्या करते हैं सुलाते हैं क्योंकि जब आदमी नींद में जाता है ना उसमें कोई दुख नहीं रह सकता सिर्फ आनंद ही होता है नींद में इसीलिए हम हर रोज सोते हैं कोई ऐसा काम नहीं है जो हम हम रोज कर सकते हैं बगैर विदाउट गेटिंग बोर्ड खाने में भी हम वरायटी चाहते हैं आज कोई दाल बने हमारे तो हिंदुस्तान की संस्कृति इतनी बड़ी है पंद्रह बीस तरह के परौंठे बन जाते हैं बताइए <laughs> यानी कि हमारे तो यानी हम, यानी कि यहाँ पर हम टोस्ट की बात नहीं कर रहे कि जी उसको टोस्ट में कुछ आलू लगा दिए तो बस खत्म होगी बात उनकी तो पकौड़े खत्म हो गए ना वहां पर तो मगर हमारे तो परौठे ही पंद्रह बीस किस्म के हैं आलू के परौंठे हमने यहां तक के आ, वो आपके हैं हैं क्या उसे कहते हैं? आ, जो मटर होते हैं हरे मटर उसके परौठे खाए हुए हैं France, France में, in, in Paris, थी उनकी मैंने पूछा मैंने कहा यार, क्या आपकी हिंदुस्तान से आए हैं इंडियन रेस्टोरेंट है आपको एक खास कहा ठीक है हम तो भगत हैं परौठों के तो खैर तो ट्राइंग टू मेक इस नींद का साक्षी कौन है जो आनंद आपको मिला है बाहर से नहीं मिला कुछ मिलने से नहीं मिला है जिंदगी में क्या होता है आइसक्रीम खाएंगे मजा आएगा है? मगर यहां तो कुछ भी नहीं है और शरीर का कोई अनुभव नहीं हो रहा शरीर तो आपका पड़ा हुआ है वहां पर मगर आपको आनंद आ रहा है तो अगर कुछ ऐसा हो जाए शर्मा जी कि वो जो नींद वाला आनंद है वो हमें जागृत में मिलना शुरू हो जाए गीता वहां पर हमें पहुंचा सकती है अगर हम इसके ईमानदार स्टूडेंट बन जाएंगे तो आपको सदा दिवाली संत के कबीर साहब कहते हैं सदा दिवाली संत के आठों आनंद आठों पहर अनंद. अगर आपको ये ये पता लग जाए कि जो आनंद मुझे अंदर से मिला है बाहर से नहीं मिला वो मेरी नेचर है उससे सच आनंद कहते हैं देखिए शब्दों का अगेन आई आई ट्राई टू एम्फ आप समझेंगे कि बार बार मैं इस पर क्यों हार्प कर रहा हूं ये जो शब्द है सत चित आनंद ये दुनिया की किसी फिलॉस में नहीं है अगर आपको यह समझ आ जाएगा इसका मतलब क्या है ना आप धन्य हम धन्य हो जाएंगे आपकी जिंदगी बड़ा सिंपल है सदैव चित चिदैव सित चित सदैव सदैव चिद चिदैव सद देखिए मैं आपको दो चीजें ऐसी हैं शर्मा जी जिसके बारे में कभी इनकार नहीं किया जा सकता और उसको हासिल करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता मगर हम ध्यान नहीं देते ये गीता हमें पॉइंट आउट कर रही है आत्मा संस्थित मना कृत्व ना किंचित चिंतित शनि शनि फिर किसी चीज की चिंता नहीं रहती आत्मा का स, मन का आत्मा में आत्मा, मन को आत्मा में स्टैब्लिश कर दिया है? तो दो, दो चीजों पर ध्यान दीजिए किसी भी व्यक्ति को इस बात का हमेशा हर व्यक्ति को ज्ञान होता है कि मैं हूं ठीक है शर्मा जी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप हैं आप कहेंगे क्या मतलब बिल्कुल हैं, बिल्कुल आपके सामने जीती जाती तस्वीर बड़ी हुई है हैं? ठीक है ना मैं हूं क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आप नहीं हैं? नहीं प्रूव कर सकते जितना मर्जी कोई तार्किक हो जितना मर्जी लॉजिशियन आप ले आएंगे वो दो बातें कभी प्रूव नहीं कर सकता नंबर वन कि मैं नहीं हूं नंबर टू आई एम नॉट अवेयर क्योंकि ये प्रूव करने के लिए कि मैं अवेयर नहीं हूं अवेयर होना पड़ेगा तो वो प्रूव हो गया आप अवेयर हैं तो आप कैसे अवेयर ना हुए ये प्रूव करने के लिए मैं नहीं हूं आपको होना पड़ेगा तो आप तो हो गए फिर प्रूव क्या करेंगे आप नहीं है तो ये जो इसका जो ज्ञान है हमें कभी ध्यान नहीं रहता सारी जिंदगी बीत जाती है कभी इस चीज पर हमारा ध्यान नहीं जाता कि हम हैं मैं हूं और मैं अवेयर हूं इसकी बात हो रही है सचित आप किसी व्यक्ति को भी इस बात का इसको कभी निषेध नहीं कर सकते आप ये मतलब है सचित का कि जो सत है वो हमेशा है कि मैं हूं वो हमेशा है वो सत है आपका और मुझे हमेशा अवेयरनेस रहती है कोई व्यक्ति को चाहे कोई व्यक्ति मूर्छित भी हो जाए बेहोश भी हो जाए फिर भी किसी लेवल पर जैसे सोते हुए भी आपको ज्ञान है कि मैं सोया और मुझे आनंद आया किसी लेवल पर रहती है चीज दो ही चीजें हैं या आपको पता है या आपको नहीं पता तो जो आपको नहीं पता उसके बारे में तो बात हो ही नहीं सकती मगर जो पता का आलम है वो ये है कि वो उसको आप नहीं कर सकते तो ये दो चीजें हो गया। और जब आपको ये पता लगेगा कि मैं जब सत और चित में अस्टैब्लिश होता हूं मुझे रात को जब सोता हूं मुझे आनंद अपने आप मनना शुरू हो जाता है तो वो आपका स्वरूप है सचित आनंद आपकी खूबसूरती है जिसे हम हम भूले भूले हुए हैं तो भगवत गीता छेवें अध्याय का पच्चीसवा श्लोक आत्म संस्थित मना कर न किंचित चिंतित शने शने पहले का शने शने उप्रमेत धीरे धीरे अपने मन को बाहर की वस्तुओं से हटाकर जब आप मेडिटेट करना चाहते हैं आत्मा ये ये वो मेडिटेशन नहीं है जिसमें आपको लाइट्स नजर आएंगी वो तो मन की बात है यहां तो मन को रिजोल्व करना है यू हैव टू सब्स्यूम You have to ऐसे हमें समझाया गया कि when the mind gets established in the self, उस वक्त फिर और कुछ नहीं रह जाता सिर्फ सेल्फ रह जाता है वो साक्षी चैतन्य ही रह जाता है वो जो स्व साक्षी है स्व अनुभव गम्यम चीज है वो उसको आपको फिर उसका अनुभव हो जाएगा आपको सुनी सुनाई बात नहीं है आपको लगेगा हाँ मुझे अनुभव हुआ है जैसे अगर आपको सरदर्द है खुदा ना खासता तो एक डॉक्टर आपको कहता है कि आपको सर दर्द नहीं है आप मानेंगे उसकी बात कहेंगे नहीं आपको कहते मुझे तो पता मुझे सर दर्द है मुझे पता है तो ये जो ज्ञान है वो भी वैसे है जब अध्यात्म का ज्ञान होता है ना वो वैसे ही होता है जैसे आपने स्वप्न देखा है अब स्वप्न चाहे झूठ हो जाए मगर ये कभी आप नहीं इनकार करेंगे कि आपने स्वप्न देखा था ये मैंने स्वप्न के साथ इस तरह इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि स्वप्न देखने के लिए कोई बाहर की आंख नहीं चाहिए इसी तरह से आत्मा को देखने के लिए बाहर की आंख नहीं चाहिए रूप वाली आंख से स्वरूप नहीं देख सकते हमें संतों ने बताया था शुरू में रूप से स्वरूप तक आप नहीं पहुंच सकते रूप वाली आंख ये है दो वाली दृष्टि दी थी अर्जुन को क्योंकि वो देख ग्यारवे में, में प्रभु ने अपना विराट रूप दिखाना शुरू किया अर्जुन कहता मुझे तो कोई नजर ही नहीं आ रहा जी कहता आप इस ये जो चर्म चक्षु है आपके इससे नहीं देख सकते मैं आपको दिव्य दे देता हूं देखने वाली आंख दे देता हूं तो शर्मा जी सारी यात्रा जो है ना अध्यात्म की जिसके बारे में कहा कि भारत का अध्यात्म किसी सबसे सर्वोपरि है उत्कृष्ट है उस अध्यात्म में सारी यात्रा आप ये लिख लीजिए रूप से सबरूप तक की बस हम रूप में अटक गए हैं नाम और नेम एंड फॉर्म में नाम रूप में अटक गए इस चीज का नाम यह इसका रूप ये उसमें अटक गए हम तो वो कह रहे है हैं कि हजूर ये नाम रूप तो नहीं रहेगा है? ये देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा शाश्वत अमल भूमा अचल निर्दोष है तू सर्वदा संत कहते हैं कि आप यही गीता कह रही है ना जायते मृत व कदाचित ना भूत वन भुआ अजयो नित्यो शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्न्य माने शरीर दूसरे अध्याय का बीसवा श्लोक एक ही श्लोक में पूरी बात कर दी प्रभु ने एक ही श्लोक में ना जायते मृत व कदाचित ये ना जन्मता है ना मरता है अब शरीर तो जन्मता मरता है इसका मतलब वो शरीर की बात नहीं कर रहे इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवत गीता को समझने के लिए मेरी आपसे दरखास्त है कि आपको भगवान श्री कृष्ण का स्टैंड पॉइंट लेना पड़ेगा और ये सबसे बड़ी जू मैंने मैंने आपको शेयर किया था मेरे जो करुणा गुरु हैं वो बेंगलोर में उस उनकी इस वक्त नब्बे साल की आयु है कल भी उनसे हमारा लेसन था बात होती है दो बार हफ्ते में आ, स्काइपर तो वो ये बात उन्होंने जब शुरू किया ना 2016 में पिछले चार पांच साल से उनसे हम लेसन ले रहे हैं वेदांत व्या, के बारे में उन्होंने छह महीने मेरे पास और उस वक्त हर रोज क्लास होती थी इमेजिन शर्मा जी इमेजिन एवरी डे फॉर वन एंड आवर फॉर सिक्सन इज ओनली टॉकउटी अगर आपने फिजिक्स को समझना है ना यू है स्टैंड पॉइंटिस्ट क्योंकि अगर आप नॉर्मल स्टैंड पॉइंट लेंगे तो आकाश नीला है आप कहेंगे जी हम तो नहीं मानते आपकी बात हमें तो नीला नजर आ रहा है अनुभव प्रमाण नहीं है सत्य का अनुभव बिल्कुल प्रमाण नहीं है बिल्कुल नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं है परोक्ष प्रमाण भी नहीं है अप्रोक्ष प्रमाण है साक्षात प्रोक्षात जो आत्मा है अब जैसे आपको यह अनुभव हो रहा है कि मैं हूं क्या उसको आप आंखों से देखते हैं नहीं महसूस हो रहा है महसूस हो रहा है खुदा ऐसे एहसास का नाम है रहे सामने और दिखाई न दे हम खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सेवा कुछ दिखाई ना दे ये बशीर बद्र साहब की शायरी है उनको हमने जलंधर में कुल हिंद मशारे में अपने सामने बैठकर सुना था वहां से आए थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से और वहां पर वो पढ़ाते थे क्या शायरी करते थे वो वो कह रहे हैं कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे खुदा ऐसे एहसास का नाम है रहे सामने और दिखाई ना दे देखो सामने है वो दिखाई नहीं दे रहा और जो नहीं है संसार वो दिखाई दे रहा <laughs> ये है माया है? माया है ये। या मा सा माया माया शब्द से मीनिंग निकला संस्कृत खूबसूरती देखिए माया संस्कृत में द वर्ड माँ मीन्स नो जैसे चाइनीज में वू मीन्स नो होता है और जैपनीज में मा uh, मुन्स नो no होता है वैसे संस्कृत में मा शब्द का मतलब मा मा मींस मा मीन्स नो माँ या, या मा सा माया जो नहीं है वो माया है <laughs> जो चीज नहीं है वो माया है हैं? तो इस चीज को समझने के लिए हमें वो धारा को परिवर्तित करना पड़ेगा धारा को राधा बनाना पड़ेगा तो जब धारा राधा बन जाएगी तो आपकी उस जो डिवाइन है आपके साथ आपके अंदर जिसके बारे में भगवत गीता मैंने पहले ही कहा हमारे ग्रंथ पौरुषे हैं अपौरुषे किसी पुरुष ने किसी के ह्यूमन uh, माइंड की प्रोडक्ट नहीं है कि 500 साल पहले 10 साल पहले हजार साल पहले 1500 साल पहले किसी ने लिख दिया ऐसा ग्रंथ नहीं है ये ये अनादि है जब सृष्टि का एक और बात हो जाए जब सृष्टि का लय होता है तो ये ग्रंथ भी वेद भी लीन हो जाते हैं उसमें प्रलय में महाप्रलय में जैसे हम रात सोते हैं ना सब कुछ लय हो जाता है वैसे ही वो भी एक वो वो परलय भी बहुत बड़ी नींद है एक मगर जब फिर दोबारा सृष्टि की रचना होती है तो वेद जो है उसके साथ ही फिर अवतरित होते हैं क्रिएट नहीं होते वो उसकी अभिव्यक्ति होती बड़ा प्यारा शब्द है ये उसी से वक्त व्यक्ति बना है वेदों की अभिव्यक्ति हुई है वेद क्रिएट नहीं हुए अभिव्यक्ति हुई है जैसे ऑपरेशन मैनुअल होता है ना यूनिवर्स यूनिवर्स को चलाने का ऑपरेशन मैनुअल है वेद <laughs> यह है संस्कृति हमारी ऐसे पढ़ानी चाहिए कि दिस इज़ नॉट बुक इट्स नॉट ए बुक नॉट एन ऑर्डिनरी बुक ये तो ये तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नॉलेज है तो वो अवतरित हुए वेद जो हैं तो फिर वो दोबारा मैनिफेस्ट करते हैं मगर इट इज नॉट द प्रोडक्ट हो हमारी जो श्रुति है ना जिसे हम श्रुति कहते हैं उसमें तीन चीजें आती है श्रुति का मतलब सुनना जो ऋषियों ने ध्यान में सुना देखा अब देखा ये नहीं कि आंखों से देखा देखिए देखिए देखने देखने में फर्क होता है आंखें बिछा दी हमने जहां तक नजर गई अब देखिए यहां पर आंखें बिछाना आंखों से देखना नजर का बिछा ये फर्क है शब्दों में जैसे अगर मैं कहूं कि हमने बड़े देखे हैं लोग जी आप जैसे बड़े लोग देखे हूं इसका मतलब वो देखने वाले देखे नहीं मेरे उनके साथ हमारा पाला पड़ा हुआ है वहां देखने का मतलब है उनका साथ पाला पड़ा हुआ है तो यहां पर शब्दों का मतलब समझना चाहिए अगर भगवत गीता में आप लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको भगवान कह रहे हैं आत्मन ने एवं आत्मना तुष्टा आत्मा में ही आत्मा का रमन आत्मा में संतुष्ट रहता है भाई संतुष्ट होने वाली भी आत्मा संतुष्ट होना आत्मा के द्वारा तो फिर कैसे हो जाएगा वहां पर यह है कि जब आप अनात्मा से अलग हो जाएंगे तो आत्मा में आपकी स्थिति हो जाएगी आत्मा को पकड़ना नहीं है अनात्मा को छोड़ना है यह नीति नीति की प्रक्रिया सबको निगेट कर दो कि भी रियल नहीं है मन उसके पीछे है मन भी रियल नहीं है बुद्धि उसके पीछे है बुद्धि भी रियल नहीं है अहंकार उसके पीछे है अहंकार भी रियल नहीं है कि आत्मा उसके पीछे है अब आत्मा के पीछे कौन है वहां नहीं जा सकते आप वो अल्टीमेट है दो आत्मा नहीं हो सकती दो स्पेस हो सकते हैं कैन यू इमेजन टू स्पेसेस तो फिजिक्स वाले कहेंगे कि आप मतलब कुछ कुछ कीजिए अपने चश्मे के बारे में अगर दो स्पेस नजर आ रहे हैं फिर तो वही होगा ना कि एक आदमी आई डॉक्टर के पास गया आई डॉक्टर के पास एक आदमी गया तो वो कहने लगा कि जी आ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे दो चीजें नजर आती हैं तो आई डॉक्टर कहने लगा कि आप चारों को एक ही बीमारी है तो आई डॉक्टर की प्रॉब्लम उससे भी ज्यादा थी उसको चार नजर आते थे तो नहीं तो फिर ये होगा तो ये कहना पश्यति शब्द इस्तेमाल होता है गीता में पश्यति या पश्यति सा पश्यति जो देखता है वो देखता है ऐसे देखता है तो यहां देखने की बात हो रही है तो आज एक ये हुआ कि आत्मसंस्थित मना एक दो और श्लोक करके फिर आज की बात जो है वो पूरी करेंगे मैं आपको इसकी खूबसूरती बताना चाहता हूं इस, इस अध्याय की इस अध्याय में योग और योगी शब्द सबसे ज्यादा आया शायद 21 बार आया है आई थिंक सारी गीता में तो योगी शब्द फोर्टी नाइन बार आया है आई थिंक यहां पर ही इफ माई मेमरी इज नॉट फेलिंग मी अबाउट नाइनटीन या ट्वेंटी वन टाइम आ गया है यानी कि आधे से ज्यादा इसी अध्याय में शब्द योगी आया है उसकी मैं आपको महिमा बताता हूँ एक दो एक दो श्लोकों पर ध्यान दीजिए छवें अध्याय के आपका आपकी रूह जो है वो आज खुश हो जाएगी आ, ये देखिए एक ट्वेंटी नाइन्थ श्लोक है इसका आ, सबसे पहले मैं उसकी बात करता हूं लुकिंग इन टू द सेल्फ लुकिंग इन ऑल छेवे all all अध्याय का उन्तीसवा श्लोक है बहुत ही खूबसूरत है यहाँ भगवान कह रहे हैं सर्वभूतस्त आत्मान सर्वभुता आत्मनी ईशते योग युक्त आत्मा यहाँ पर ईशते है देखता है यहाँ देखने का मतलब ये नहीं जैसे वृक्ष को देखते हैं यहां मन की आंख से देखता है मन, मन की आंख देखने ईशते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शिना योग युक्त आत्मा जो है वो हर जगह सम देखती है एक जैसा देखती समता से तुलसी समता ममता रामसो समता सब संसार संसार के साथ समता से यहां पर ईश्वते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शिना किसी ने किसी संत से पूछा कि भाई यहां पर जो भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सबको एक प्रकार से देखो तो क्या उसका मतलब हुआ कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार एक्सक्यूज में कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो ऐसा नहीं है क्योंकि शब्द है ईशते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शिना दर्शिना शब्द है वर्तिना नहीं है वर्तिना यथा योग करो जो यथा योग बनता है ठीक है ना तो देखो अगर हमें इस चीज का ज्ञान नहीं होगा तो आप कहेंगे जी इसका मतलब कि सबके साथ एक व्यवहार करो वो तो हो ही नहीं सकता वो गीता कह नहीं रही वो करो वो कह रही है सब में नारायण देखो इसका मतलब ये नहीं है कि सबके साथ व्यवहार व्यवहार जो है, वो करो सिचुएशन काल कर रही वो करो। मगर रिस्पेक्ट करो दूसरे आदमी की उसके अंदर जो प्रभु बैठे हैं उसकी रिस्पेक्ट करो तो ये बात है सर्वभूतस्थ चात्मानम सर्वभूतानी चा जो सब भूतों में आत्मा है और सबकी जो आत्मा है ईशते योग युक्त आत्मा योग में युक्त आत्मा ऐसा देखती है सर्वत्र कैसा देखती है सर्वत्र समदर्शिना ये समता हमने स्वामी राम सुखदास जी से सुना है उनके प्रवचन में कि जो मर्जी आप योग कर लीजिए कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग लय योग ध्यान योग राज योग, जो मर्जी फिल इन द ब्लैंक्स मगर उसके करने से अगर समता नहीं आई आपकी आपके मन में समता आपकी बुद्धि सम नहीं हुई तो कुछ भी नहीं हुआ तो ये ये टच स्टोन है कसौटी है इट इज इट इज अ लिटमस टेस्ट ऑफ whether यू अंडरस्टैंड भगवत गीता और नॉट कि जितनी जितनी आपको समझ आती जाएगी जितना जितना आप इसको व्यवहार में लाते जाएंगे उतनी जितनी आपकी बुद्धि सम हो जाएगी फिर आपको ना सावन हरे ना भादों सूखे हमें कई बार लोग पूछते हैं कैसे है जी आजकल मैंने कहा जी हमारा तो हाल ये है कि ना सावन हरे ना भादों सूखे हमारे बड़े मित्र हैं हमारे एक बहुत ही प्यारे मित्र हैं मैं उनका आपको नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये जो मैंने तुलसीदास जी और सूरदास जी की आपको प्रसंग सुनाया था था मैंने उनके से से सुना था। वो में रहते हैं उनका नाम ब्रिज मोहन सहगल है नाम भी बड़ा प्यारा है ब्रिज और मोहन और फिर सहगल यानी कि सहगल यानी कि बड़े गलकार हैं वो बड़ी प्यारी बातें करते हैं हालांकि उम्र में और समझ में दोनों में हमसे बहुत बड़े हैं मगर फिर भी उनका प्यार है कि हमें उनकी दोस्ती का शर्फ हासिल होता है तो कई चीजें हमने उनसे हासिल की उनके स्निग्ध में बैठ कर उनसे वो चीजें सुनी वो इस शायरी जो हिंदी की शायरी है खास करके हरिवंश राय बच्चन जी की शायरी और नीरज जी की शायरी और संगीत के वो एक यानी कि अथाह भंडार हैं तो ये जो मैंने आपको आज सुनाया है ये मैंने उनसे सुना था सुना पहले भी हुआ था मगर उन्होंने जिस तरीके सुनाया था तो उस रूप में मुझे जो याद था मैंने आपको आज आपकी नजर किया तो ये सब में वो देखना सम, आ, ये देखिए अब तीस छवें अध्याय का तीसवा श्लोक भक्ति की प्राकाष्ठा अब है तो बात ध्यान की हो रही मगर बात भगवान भक्ति कर रहे हैं सब कुछ जहां दिल करता है वो उनका मन होता है वो दे देते हैं ये श्लोक अगर आपको समझ आ जाए तो आप कहेंगे जी क्या बात है एक एक श्लोक बड़ा कमाल का है तो भगवान क्या कह रहे हैं ध्यान से श्लोक है जी, और बड़ी है आप कि आप बस यही है भगवान अर्जुन को सारी गीता सुनाने के बाद में कहेंगे कच्चित श्रुतम पार्थ हे अर्जुन तूने मेरी बात को ध्यान से सुना तो मेरी तो मैं तो बहुत छोटा एक साधक भी से भी कम हूं दर्जा मेरा मगर मैं गुजारिश आपको कर रहा हूं कि ध्यान दीजिए क्योंकि वो मैं आपको पहले बता रहा था कि जब मैंने वहां कुंडल धाम में एक महीने से ज्यादा रहा तो वहां पर ना उन्होंने मैंने उनको गुरु को कहा कि मुझे कोई चीज दो जैसे को मंत्र होता है या कोई चीज आलम्बन बुद्धि को जैसे ना वो जब वो गणपति बाबा मौर्य जब वो हाथ हाथी का लेके जाते हैं तो वो हाथी जो है वो उसकी वो मिठाई है तो उसमें वो डालता है मुंह अपना तो उसकी लकड़ी दे देते हैं उसकी उसकी सूंड में वो लकड़ी देने का मतलब होता है कि फिर वो इधर उधर मुंह नहीं मारता मंत्र का मतलब यही होता है कि मन भड़क रहा है पांच जगह पर तो उसको एक मंत्र दे दिया फिर वो एक जगह में आ जाता है तो मैंने उनको कहा मैंने कहा कोई बात बताइए अब यहाँ आया हम अपना काम भी होगा मगर आपसे भी कुछ हमने जो मेन काम है आपसे लेना है तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक चीज देते हैं विचार करने के लिए मंत्र नहीं विचार करने के लिए वो क्या था तीन शब्द थे बड़े प्यारे शब्द थे और जिंदगी चेंज हो सकती है आदमी की अगर उसको प्यार से ले वो शब्द थे भाव बराबर कल्याण उन्होंने कहा कि हमने अपने संतों को एक साल सिर्फ इस बात का गौर करने के लिए दिया मंत्र हर साल को नई चीज देते थे मैंने कहा आज इस इस साल का न्यू ईयर स्पेशल क्या है वो कहते ये है भाव बराबर कल्याण आपका कल्याण उतना ही होगा जितना आपका भाव है जितना आपका भाव है, है जिनकी रही भावना जैसी जब भगवान राम धनुष तो जितनी जितनी तो का था वो उनको प्यार से नजर आए और जिनका प्यार का नहीं था उनको प्यार से नजर नहीं आए तो अगर आप भाव से इसको देखेंगे पढ़ेंगे गीता को सुनेंगे तो फिर ये दे देगी अपने सीक्रेट सारी आपको मगर भाव के बराबर बगैर तो दुनिया में कुछ नहीं मिलता श्रद्धा के बगैर तो श्रद्धा बड़ी जरूरी है और जितना जितना भाव होगा दस किलो भाव होगा तो दस किलो कल्याण हो जाएगा आपका <laughs> सौ किलो हो जाएगा आपके पूरे भार के बराबर अगर भाव हो गया तो सारा ही कल्याण हो जाएगा तो याद रखिए हमेशा भाव बराबर कल्याण अब एक सर्टिफिकेट तो शर्मा जी आप देंगे हमें हमने ये आपके वेबिनार अटेंड किए हैं मैं भी चाहता हूं आई वॉन्ट ए सर्टिफिकेट आई एम वेरी सीरियस एक सर्टिफिकेट तो आप देंगे मगर एक सर्टिफिकेट जो लोग अटेंड कर रहे हैं ना उनकी अपनी आत्मा देगी उनको क्योंकि ये जो ज्ञान है ना हमने वेदों से ये देखा है उसमें उपनिषद में आता है एक जगह कि ये स्व साक्षी कम है इसके साक्षी आप आप, आप हैं बाहर से सर्टिफिकेट को नहीं दे सकता क्या कोई आदमी सर्टिफिकेट दे सकता है कि आपको सर दर्द है <laughs> <laughs> वो सर्टिफिकेट का मीनिंग कोई नहीं है क्योंकि अगर आपको सरदर्द नहीं है तो नहीं है अगर है तो है सर्टिफिकेट की जरूरत है ये स्व अनुभव गम्यम है स्व अनुभव गम्यम स्व साक्षी है अपने आप साक्षी हो जाता आदमी इसका बाहर से पूछना नहीं पड़ता अपने आप आपको पता लग जाएगा जब जब खाना खाते हैं ना तृप्ति होती है हाँ, तो डकार आता है तो बाहर से थोड़ा पूछना पड़ता है यहाँ किसी को पूछो आप किचन वाले किचन में रसोईया है या कोई घर में माता जी है उनसे कहो के बताइए कि मुझे तृप्ति हुई वो कहेंगे आपको पता होगा तृप्ति हुई कि नहीं तो ये ज्ञान भी वैसा है ये स्व साक्षी कम है और स्व अनुभव कम में है अपना अनुभव आपको हो जाएगा तो यहां पर प्रभु कह रहे हैं ध्यान दीजिए जरा यो माम पश्यति सर्वत्र जो पश्यति में देखना पश्यति यहां से विपाशना बना है पश्यन पश्यति स पश्यति सो पश्यति पश्यति तो वो विपाशना है वो एक खास तरीका देखना उसे विपाशना कह देते हैं मगर शब्द संस्कृत का रूट है पश्यना पश्यति इति पश्यति तो यो माम देखिए मैंने आपको पहले कहा था जहां भी प्रभु माम शब्द का इस्तेमाल करेंगे वो उस वक्त जो अर्जुन के सामने खड़े हैं वो उनका इशारा उधर नहीं होता उनका इशारा उनमें जो पार ब्रह्म बोल रहा है जिसने पहले ये गीता का ज्ञान सूर्य को दिया था उसकी तरफ इशारा है उसका और भगवान ये कहेंगे बार बार कहेंगे भक्तया माम अभिजान आती तत्वतः मुझे भक्ति से तत्वतः जाना जाता है अठारहवें में, में अंत में जाके कह देंगे भगवान अर्जुन को भक्तया माम मुझे माम अभिजान आती सर्वधर्मान परिदज्य माम एकम वहां माम शब्द का मतलब वही है ये नहीं है कि जो आपके सामने खड़ा हुआ है वो तो है ही है वो तो खुद उनके अवतार हैं योगेश्वर हैं मगर उनका इशारा तो फिर इसका मतलब हुआ अर्जुन के लिए रेलोट होगी हमारे लिए नहीं हुई बात अगर उन्होंने कहा था अपने को अगर उस जिस व्यक्ति उनके सामने अर्जुन के खड़े हैं भगवान अगर वहां इशारा होता तो आज इसकी वैल्यू ना होती कोई तो भगवान तो तभी तो उसको कहा है कि किसी किसी ज्ञानी के पास ये ज्ञान ले जाकर ताकि हमारे ये सारी बातें अर्जुन के लिए नहीं है ये प्रश्न भी अर्जुन के नहीं है जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है अर्जुन के प्रश्न नहीं है ये मेरे प्रश्न 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 जलते बर्निंग फिर समझ आएगी भगवत गीता अर्जुनों के समझो के समझो अपने हैं उत्तर समझने के लिए भगवान के पास खड़े हो जाओ जाके उनकी, उनकी 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 कुर्वत में चले जाओ उनके करीब चले जाओ फिर समझ आ जाएगा तो प्रश्न करते वक्त अर्जुन का स्टैंड पॉइंट उत्तर समझते वक्त आपको यू हैव टू टेक दैट हाइएस्ट स्टैंड पॉइंट जहां से भगवान गीता बोल रहे हैं वहां बैठ बैठना पड़ेगा नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा इसीलिए ज्यादा लोग जो हैं किसी एक विद्वान ने कह दिया गीता खिचड़ी है खिचड़ी नहीं है गीता ये ये समझने की बात है गीता समन्वय है बड़ा फर्क है खिचड़ी और समन्वय में तो यो माम पश्य सर्वत्र जो मुझे सब में देखता है सरमचामी पश्यती और सबको मुझमें देखता है क्या बात है और आगे देखो क्या दे रहे हैं प्रणश्यामी उसकी नजरों से मैं कभी ओझल नहीं होता सा मई ना नजरों से कभी नहीं होता अब बताइए किसी भक्त के लिए इससे बड़ी कोई स्टेज हो सकती है कि भक्त जो है वो भगवान की नजरों से कभी ओझल नहीं होता और भक्त की नजरों से भगवान कभी ओझल नहीं रहते ठीक है है देखना यही कि ना देखा करे कोई है जाहिर की आंख से नजारा करे कोई ये जो जाहिर की आंख है ना शरीर की रूप रूप की आंख है इससे नजारा नहीं हो सकता ये तो एक ऑर्डिनरी पॉइंट भी कह सकते हैं जाहिर की आंख से ना नजारा करे कोई है देखना यही कि ना देखा करे कोई देखना यह है क्योंकि देखा ही ना करे यानी कि अंदर की आंख से देखना है शीत देखना है तो यो माम पश्चति सर्वत्र सर्वमचा मई पश्च्य स से हम न प्रणश्यामी साणश्यते और वो मुझसे कभी दूर नहीं होता अब एक और श्लोक सुनाकर इस अध्याय की जो खूबसूरती है वो जितनी भी मेरे समझ में आई है और वो श्लोक वो है जो लोग गोल्डन रूल की बात करते हैं जो कि बहुत बाद में दिया गया किसी और धर्म में हमारे यहाँ उस गोल्डन रूप की जो बाप और पड़दादे उसमें उस उस लेवल की बात यहाँ की गई है मैं आपको वो छेवें अध्याय का बत्तीसवा श्लोक सुनाकर आज अपनी बात पूरी करूंगा ऐसा श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण ने योगी शब्द का इस्तेमाल परम शब्द के साथ किया है सिर्फ एक श्लोक है सारे सात सौ श्लोकों में जहां पर परम योगी शब्द इस्तेमाल हुआ है तो संतों ने बताया कि अगर भगवान कोई भी बगैर रीजन के शब्द इस्तेमाल नहीं करते तो अगर यहां परमो मतः कहा है योगी परम है तो वो कैसे बनना है सवाल ये है कि मैं परमयोगी कैसे बन सकता हूं इसमें पूरी कीमिया है और वो कहा है आत्म सर्वत्र कि मुझे अच्छा लगता है मेरी सारी तारीफ करें मुझे अच्छा लगता है कि मेरा आराम हो वो मेरी आत्मा अच्छी लगती आत्म औपमेन जैसे मेरी आत्मा को अच्छा लगता है उसकी उपमा दी है लाइक माई ओन सेल्फ आत्म औपमेन सर्वत्र सर्वम से जो सब में मुझे वैसे देखता है जो मैं पढ़ रहा हूं आत्म उपमेन सर्वत्र समम यो अर्जुना जो जैसे अपने को ट्रीट करता है वैसे सबको वो ट्रीट करता है जो ऐसे करता है जो जैसे वो अपने लिए देखता है वैसे दूसरों के लिए देखता है ये है तो सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी मई वर्त वो योगी जो है परमोमता सॉरी सा योगी परमोमता वो योगी जो है जो जो जैसा वो अपने लिए चाहता है दूसरों के लिए चाहता है बताइए वो योगी मेरे मत में परम है सुखम चाहे सुख है चाहे वो दुख है जैसे को जैसे मुझे सुख होता है ना मुझे अच्छा लगता है और मुझे जब दुख होता है मैं उससे दूर उसे दूर करना चाहता हूं जब आप दूसरों को ऐसा करेंगे जैसे मुझे दुख हुआ है मुझे अच्छा नहीं लगता मैं दूर करना चाहता हूं वैसे ही कोई आपके संपर्क में आया उसको दुख हुआ है उसको आप उतना दुख लीजिए अपना अच्छा दूर, दूर करूं अगर आप ऐसा कर पाएंगे देखिए कहां पर कहा मैर देखिए क्या है बेंच देखिए कितना हाई दे दिया हमने बताइए आप हमें छोटी सी चोट लग चोट छो, चोट लग जाए एक थोड़ा सा कांटा खुब जाए हमारे हमारे पांव में हम एक तिनका पड़ जाए आंख में हम उसको निकालना चाहते हैं इसी तरह से जैसे आपको अपना दर्द दर्द लगता है दूसरे का दर्द दर्द लगे तो फिर आप परम योगी बन जाएंगे हमने आ, स्वामी शरणानंद जी महाराज जो प्रज्ञा चक्षु थे उनसे सुना था उनके प्रवचन में उनकी में पढ़ा था शर्मा जी देखिए क्या सूत्र दे रहे हैं वो प्रभु वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अगर आप दूसरों के दुख में दुखी हो जाएंगे अब अगर आपको दूसरों के दुख में दुखी होना आ जाएगा तो भगवान आपको आपके अपने दुख से मुक्त कर देंगे बताइए एक देखिए ये संतों की खूबसूरती ये है कि वो कहीं और बैठकर बात करते हैं और ऐसे संत मिलते नहीं मिलते नहीं और दोबारा पैदा नहीं होते ना पैदा शुद्ध कहा है इसको उसमें उसमें फारसी में ना पैदा शुद, है? के पैदा किया था खलक ने जिसे खाक छान कर मिट्टी को छान छान कर उनका शरीर बनाया था <laughs> पैदा किया था खलक ने जिसे खाक छान कर तो ये ये कि वो जो लोग थे तूने एक ही यू नो छोटी सी बात हुई और वो लोग चले गए पैदा किया था खलक ने जिसे खाक छान कर तो वैसे लोग जो हैं वो दोबारा पैदा नहीं होते तो हमारी संस्कृति ऐसी है कि जिसको हम लेकर एक तुलसीदास जी की मुझे दिल था मेरा आज आपसे बात करने के लिए मैं वो करना चाहूंगा भक्ति अगली बार भक्ति पर बात होगी तो भक्ति के बारे में अगर किसी ने भक्ति का एक सही आनंद लेना है तो मैं मेरी मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि आप तुलसीदास जी का साहित्य पढ़ें उनसे ज्यादा भक्ति का रस सूरदास जी का भी है मीराबाई जी का भी है मगर तुलसीदास जी का उनकी विनय पत्रिका पढ़िए रामचरित मानस पढ़िए दोहावली पढ़िए तीन चीजें तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं बहुत ही विचित्र चीजें हैं उनकी तो मैं उनकी एक दो मिसाल आपको देकर आज वाणी को विराम देंगे एक जगह वो कहते हैं देखो क्या बात है उनकी उनका प्रभु राम के साथ बड़ा प्यार था और अब राम कौन सवाल पैदा होता है एक दशरथ के लड़के राम हैं है एक भरत और लक्ष्मण के भाई राम हैं एक सीता के पति राम हैं कौन से राम और एक वो राम है जो हर जगह में है और एक वो राम है जो हर जगह रमते हैं रमन करते हैं आपके अंदर भी उसको राम कौन से राम की भक्ति करनी है तो ये देखिए वो क्या कहते हैं देखिए कहाँ जा रहे हैं कोई ऐसा करके तो दिखाए वो कहते हैं अपने अपने अपनी आलोचना कर रहे हैं अपने अप, वो कहते हैं मेरी भक्ति अभी पूरी नहीं हुई वो कह रहे हैं जे मोहे राम लागते मीठे जो चीज मीठी लगती है ना बड़ी मधुर लगती है जो मोहे राम लागते मीठे नवरस नवरस होते हैं छठ रस सब रस हो जाते से सब रस फीके हो जाते जो मोहे राम लागते मीठे ये देखिए ये जो भक्त लोग हैं ना शर्मा जी ये मुक्ति को भी नहीं लेते इनको आप मुक्ति दो ना वो कहेंगे हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए वो कहते हैं मुक्ति तो मंद बुद्धि वाले लेते हैं <laughs> हमें मुक्ति नहीं चाहिए है यही यही जन्म हो कर्म बस ते ही पद अनुराग हूं कि मेरे जितने भी जन्म हो अपने कर्म बस है वो मैं आपके चरणों में, में मेरा प्यार बना रहे ये ये वो कह रहे हैं और उनकी एक खास चीज आपके साथ शेयर करके आज की बात खत्म करते हैं वो कहते हैं धर्म ना धर्म न अर्थ न काम रुचि ना तो मैं धर्मात्मा बनना चाहता हूं देखो तीन पुरुषार्थ ये कह दिए उन्होंने ना मैं ना धर्मात्मा बनना चाहता हूं ना ही मैं कुछ पैसा कमाना अर्थ कमाना चाहता हूं पैसा धर्म न अर्थ न काम रुचि गति ना चाहू निर्वाण और मैं मुक्ति भी नहीं चाहता उसको भी जोड़ दिया कहता आई केयर really देखो चार पुरुषार्थ होते हैं धर्म कर्म धर्म अर्थ काम और मोक्ष वो कहता धर्म न अर्थ न काम रुचि गति ना चाहू निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद बस मेरी उनके पैरों में रति प्यार रहे ये वरदान ना आन और वरदान ना आन इसके अलावा मुझे कोई वरदान ना चाहिए तो ये जो भक्ति है जब ये भक्ति आपके उजागर हो जाएगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए है कागभूषणी ने भी कह दिया था कि पहले तो हम उनके दर्शन करेंगे रघुवीर के उसके बाद में उसका ध्यान करेंगे निर्गुण निर्गुण निराकार का पहले सगुण साकार को देख तो लें <laughs> जब जब उद्धव जी को भगवान कृष्ण जाने लगे ना अंतिम संदेश हमारे आपसे आप किसी ने प्रश्न किया था एक बड़े महानुभाव थे आपके मित्र दोस्त के ये इन्होंने उसकी दूसरी गीताओं की बात नहीं की अनुगीता की बात नहीं उद्धव गीता आखिरी संदेश है भगवान कृष्ण का तो उद्धव के साथ बड़ा प्यार था तो उद्धव जो थे वो बड़े बड़े ही ज्ञानी किस्म के व्यक्ति थे बड़े प्यारे थे वो उनको ज्ञान में ज्यादा इंटरेस्ट था ज्ञान योग में तो एक बार भगवान बड़े उदास थे और बड़े थोड़े से जैसे ना उनका जैसे मन उदास था तो उद्धव ने कहा कि प्रभु आप उदास नहीं हो सकते आपको हक नहीं है हमारे होते बताइए मैं क्या करूं आपके लिए वो कहने लगा कि वहां पर जो गोपिया हैं वो उदास हैं इसलिए मैं उदास हूँ कहते कोई बात नहीं मैं उनको जाकर उनसे आप खबर लेके आता उनकी और मैं आपको खबर सुनाऊंगा ला कि वो खुश हैं फिर आप खुश कहते ठीक है जाओ और मैं कुछ उनको ध्यान ध्यान की बात भी कहा के आऊंगा गोपियों को तो उद्धव जी जाते हैं और उनको कहते हैं भी आप क्यों उदास हैं कहते जी हम उदास इसलिए हैं कि हम भगवान कृष्ण को देख नहीं पाते कहते भाई ऐसा है भगवान के कई रूप होते हैं एक होता है निगुण नरकार एक सगुण साकार होता है आप सगुण साकार का प्यार छोड़िए निर्गुण निराकार का ध्यान कीजिए वहां ध्यान लगाइए उसकी आराधना कीजिए तो वहां पर सूरदास का एक पद है वो कहकर आज की बात पूरी करेंगे तो सूरदास जी लिखते हैं कि गोपी उसको कहती हैं कि उधो मन ना दस बीस। के जो हमारा मन है वो दस बीस नहीं है हमारे पास एक ही थो सो गयो शाम संग वो एक ही था वो शाम ले गए क्या अपराधे शीश अब मैं किस ईश्वर की आराधना करूं उधो मन ना भय दस बीस तो जब आप अपने मन को किसी को दे देंगे मत मतपरा भगवान ने कहा है मई अर्पितो मनोबुद्धि कहा है मुझे अर्पित कर दो मनोबुद्धि है मनमना भव कहा है।, है मेरे में मन तो ऐसा जब हो जाएगा तो अगले चरण में हम देखेंगे कि भगवान की अनन्य भक्ति जिसे वो अभी भी भक्ति कहते हैं जिसमें कभी विभिषित नहीं भक्त वो है शर्मा जी जो भगवान से कभी विभक्त ना हो विभक्त होता है डिवाइड हो जाना और अलग हो जाना तो भक्त की डेफिनेशन शब्द से दे दी कि भक्त वो जो अपने इष्ट से कभी विभक्त वी विभाजन ना उसका हो तो ये कहकर पूरा आराध्या पूरा जा का नाव नानक पाया पूरे के गुण गाओ पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णाथ पूर्ण मदचते पूर्णस्य पूर्णमादाये पूर्ण, 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 पूर्ण मेवावशिष थे ओम शांति 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 ही हरिओम Hari Om Shri Guru Hari Thank you, sir. Thank you. Such a wonderful, such a wonderful. And you'll be so happy to know that uh, I'm seeing a lot of people participating from Sikkim also, from the education department. And they have come from Gang Talk. They have come to other places. Of course, Vijaywada. I've got from Kapurthala. I've got from Ludhiana. I've got uh, some of the people from Yamnanagar, Then people have joined from Jagadri then people have come from kurukshetra itself and then we have also got a couple of other people those have joined from different parts of the country guwahati also i'm so grateful i'm so grateful uh, yamna nagar kapurthala then there comes further sikkim uh, such a pleasant this this this, this. chhetri sir he is a great educator He's is a director of education over there in sikkim and such a wonderful person. I had a pleasure to meet him in Gangtok and traveled with him. Siliguri, that is uh, the small neck which connects the whole Northeast with India. Yeah. <clears throat> also known as chicken neck sometime. People have come from there also. Solapur, that is in Maharashtra. We are mm -hmm. so grateful. Kerala, Kerala also people have joined. I can see in the box. Uh, and then Vijayawada from the Andhra Pradesh. I'm so grateful ludhiana punjab people have joined then bindu manoj kumarji you have not mentioned where are you from so i have not and uh, dr arun mulik Sahab, i'm so grateful and then of course rajesh ji so grateful and then couple of other people from the whole country from the different parts it's such a pleasure such a pleasure and then of course on my whatsapp on dr gulshan sharma's page

अच्छा जी एंड uh, वो एम एम गोयल साहब वाइस चांसलर साहब इज एक्सट्रीमली हैप्पी आपने पिछली बार uh, उनकी संतुष्टि कर दी थी वो अनुगीता के बारे में बात करके तो अनुगीता का उनको पूरा डिटेल मिल गया ही एक्सट्रीमली हैप्पी ऑन दैट तो वो सारा पार्ट अच्छे से सारा कवर हो गया सो विदीज वर्ड्स वंस अगेन सर आवर डीपेस्ट रिगार्ड्स एंड डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड्स एंड सैल्यूटेशन एंड थैंक्स टू यू फ्रॉम सोल्जर

क्योंकि सुबह सुबह मैंने बहुत सी कुछ वाणियां सुनी और उन वाणियों का प्रभाव था मेरे ऊपर बहुत डीपली तो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू यू थैंक सर जी ऐसे है हाँ। जब तक रहेगी, हाँ। फुर्सत ना होगी काम से यस yes, यस yes, कभी भी yes. काम से फुर्सत नहीं मिलती इसलिए जो हाँ। करने वाला काम है वो कर लेना चाहिए बिल्कुल सही बात है थैंक यू सर थैंक यू यू अ वंडरफुल स्लीप नाउ

डिटेल्स uh, और या मोबाइल नंबर नहीं देते तो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस टू सेंड अक्रॉस इनविटेशन टू यू शुड यू विश दैट वी शुड सेंड इनवाइट टू यू पहले तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उनके साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए लेट्स स्प्रेड हैप्पीनेस आशा जी आई कैन सी यू फ्रॉम कुवैत थैंक्स अ लॉट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग और मैं आभारी हूँ क्योंकि आप रेगुलरली प्रोग्राम्स में आती हैं तो उसी तरीके से जितने भी लोग आप लोग जुड़े हैं देखिए इस खुशबू को फैलाइए एंड देवोजीत फैलाइएर से आई एम सो ग्रेटफुल थैंक यू थैंक्स फॉर और वर्ल्ड ओवर से जहां जहां जो जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप इस पूरी खुशबू को इस फ्रेग्रेंस को फैलाइए और अपने जो हमारी शिक्षा है हमारी जो शिक्षा की प्रणाली है जो कुछ भी हम भारत में कर रहे हैं इस सबको अगर विश्व गुरु बनने के लिए लेके चलना है आगे तो हमें प्रोफेसर सत्येंद्र धीमान जी जैसे भाइयों की शिक्षकों की मार्गदर्शकों की और ऐसे बहुत अनुभवी जो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं अब मैं तो कई बार ये भी सोचता हूँ एक फिनिशिंग लाइन है वहां पर एक रस्सी बंधी हुई है और उस फिनिशिंग लाइन से सत्येंद्र धीमान जी वापस लौट रहे हैं और हम रस्ते में मिल रहे हैं और हमें कह रहे हैं आप भी जाके देख लो मैं तो थोड़ा आगे हो आया हूँ थोड़ा देख के आया हूँ कि संसार का आगे क्या है क्या चीज है और कहाँ पर है

और इतने आप गुणों से भरे हुए हैं मतलब जब आपकी वाणी से मन मन के भाव ही बदल जाते हैं रोष हो क्रोध हो पीड़ा हो दुख हो तकलीफ हो सांसारिक इच्छाएं हो संसार में हम बंधे हुए हो उन सब से आप हमको कुछ वक्त के लिए आगे लेके जाते हो अब वहां से टिकना कैसे है वो अगले हफ्ते में जरूर आप जब भक्ति की बातचीत करेंगे तो उस के रस में आप, आपने, आपने जो फिनिशिंग लाइन की बात आपने जो फिनिशिंग लाइन की बात की है ना हाँ जी, हाँ जी। तो ये ये वो ये वो विद्या है इसका कोई किनारा नहीं है मतलब कि ये तो वो है कि यहाँ मंजिल ही मयसर नहीं है इंसान को हाँ। जिसे मंजिल समझे थे वो रास्ता निकला ओए, ओए, जिसको ओए। हम मंजिल समझ बैठे थे वो तो रास्ता हाँ। है ओए, तो इसलिए आप ये ना कभी समझिए <laughs> कि फिनिश लाइन है फिनिश लाइन कोई नहीं है कोई नहीं बल्कि मूविंग टारगेट है मूविंग टारगेट मूविंग टारगेट और हमें एजुकेशन के माध्यम से ही सारे संसार में पीस शांति सुख वेलनेस और वो सब चीजों को लेके आना है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही सब कुछ होगा उसी में मैं इसलिए हर हफ्ते आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी वाणी से हम सब लोगों को संबोधित करें और आदमी मुक्त हो जाता है और मतलब आत्मा मुक्त हो जाती है आपको सुनने के बाद विचार बदल जाते हैं और अंदर से आचार भी बदल जाते हैं बहुत सब कुछ बदल जाता है बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल प्रोफेसर सत्येंद्र धीमान जी

सही वाणी सही शब्दों का इस्तेमाल करें एक दूसरे के लिए दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच वी हैव टू वर्क आउट थैंक यू सर वेरी काइंड ऑफ यू आपको शुभ रात्रि शुभ रात्रि